बात में बैठा अंदर में हाँ ठीक भज श्री कृष्ण चय प्रभु
ओम ज्ञानेन्द्रियं दृष्ट ज्ञानार्जुन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ उठाए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदशत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदशत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ण भक्ति वेदांत श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। हमारी आज हमारे संप्रदाय के जो दो दो महापुरुष है, कहते एक महापुरुष का तो एक महापुरुष का तो आज जन्मतिथि है और एक महाराज का तिरोभाव। तिरोभाव मतलब आज का दिन संसार को छोड़ करके प्रभु का नित्य सेवा में चले गए थे, इसलिए उसमें हमारे श्री भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का आज तिरोभाव महामहोत्सव है। हम लोग जब कोई वैष्णव शैली छोड़ते हैं, साधारण लोग कहते वो मर गया, कहते ना वो मर गया, लेकिन हमारे भक्ति जगत में मरना शब्द नहीं है। बोले क्यों, वो गए कहाँ, आए थे कहाँ से, गए कहाँ, कहते आए थे गोलोक वृंदावन से महाप्रभु का आदेश को लेकर के जीवों को कल्याण करने के लिए। हम जैसे संसार में जो गद्ध जीव, संसार में जो दुख कष्ट हम भोग कर रहे हैं, कोई तन से दुख पा रहे, कोई मन से, कोई धन से, कोई परिवार से, कोई पुत्र से, कोई बहू से, कोई बेटी से, कोई सास से, कोई ननद से, कोई पति से, संसार में हम जो दुख कष्ट संसार में हम जो भोग कर रहे हैं, ये संसार से हमें लेकर के हमारे घर में ले जाने के लिए आते हैं। हम बोले कि नहीं, हमारे घर तो यही है। हम कहते हैं हमारे घर इसका कागज पत्र सब हमारे पास में, तो नहीं, हम केवल यहाँ किरायेदार हैं, दो दिन का किरायेदार है, समय आएगा तो हम यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। एक जन्म ने कितने जन्म से छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे, पकड़ रहे, बोले कब तक पकड़ोगे, कब तक छोड़ेंगे, तो जब तक हम असली घर में नहीं पहुंच जाते। हमारे असली घर कहाँ पर है, इसलिए कृष्ण खुद कहते हैं मेरे पास में मेरे तो मेरे ही बच्चे हो, हम अमृत से पुत्रा, हम भगवान की संतान हैं, लेकिन उनको भूलने का वजह से हम ये संसार में आकर के बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इसलिए हमें अपना सही घर में हमें ले जाने के लिए इसी जगत में गुरुवर्ग इसी जगत में आते हैं, हैं? जब उनका काम समाप्त हो जाते हैं तब ठाकुर के पास में फिर चले जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं विरह महोत्सव है। यहाँ पर तो दिखाई पड़ रहा है जैसे ये संसार से चले गए, लेकिन जो चले गए हमारे लिए तो दुखदायी है, क्योंकि जब तक जगत में शुद्ध वैष्णव लोग रहेंगे, भक्त लोग रहेंगे, भक्तों का संग का इतने प्रभाव है, केवल भक्तों का संग में रह जाए तो भजन अपने आप हो जाता, अपने आप हो जाता, लेकिन भक्तों का संग जब बिछड़ जाए, इसलिए महाप्रभु श्री राय रामानंद को कहते हैं, बोलो राय, हैं जगत में जितने तरह का दुख में सबसे बड़ा दुख कौन है, ये भगवान स्वयं पूछ रहे हैं अपना भक्तों को। देखो हम सबसे बड़ा दुख क्या मानते हैं, अगर हमारा बिजनेस चला गया, नहीं तो संसार में कोई मर गए, शरीर छोड़ दिए, हैं हम इसको सबसे बड़ा दुख हम इसको मानते हैं,
लेकिन इनका प्रश्न है जगत में सबसे बड़ा दुख है मध्य कौन दुख है गुरुतर, जितने सारे दुख में सबसे बड़ा दुख क्या है, है? तब इसका उत्तर में वो संत कह रहे हैं सबसे बड़ा दुख वह है जब इसी संसार से हमारे गुरु वर्ग इसी संसार से वैष्णव लोग संसार छोड़ करके चले जाते हैं, कहते इससे बड़ा जगत में दुख नहीं। इसलिए नर्तमदास ठाकुर कहते हैं ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद, ये पृथ्वी का असली धन क्या है, पृथ्वी का असली धन है वैष्णव का चरण ही असली धन है, हैं? जब तक इस जगत में वैष्णव लोग चाहते हैं जाते हैं हमें भगवान की ज्ञान की बात भक्ति की बात करते हैं तब तक तो हम भक्ति करते हैं, लेकिन गुरु वैष्णव जो छोड़ करके चले जाए फिर हमारी भक्ति भक्ति धीरे 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 नीचे उतरता आ जाता है। इसलिए वैष्णव संघ से ही हमारी भक्ति वैष्णव संघ से ही भक्ति बढ़ती है। इसलिए अगर जगत में सबसे बड़ा दुख है जब ये संसार छोड़ करके वैष्णव लोग संसार से चले जाते हैं, कहते जगत में सबसे सुख क्या है, इसलिए आज समझो बीज और अमृत दोनों का मिलन है, आज एक का तो जन्मतिथि है और एक का आज त्योहार है, आज का दिन जगत में सबसे बड़ा सुख क्या है, तब शास्त्र कहता है जगत में सबसे बड़ा सुख है जब जीवन में संतों का दर्शन मिल जाए। इसलिए ये बात को कौन कह रहे हैं, कहते श्री विभीषण कह रहे हैं जब हनुमान से भेंट हुआ वो क्या रहते हैं, आज मैं भाव भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुबरी मय अनुग्रह किनी तो मैं दरस अठे दिन, लगता है आज मेरे ऊपर में भगवान का कोई विशेष कृपा है, आज हमें संत दर्शन मिला है। इसलिए आज हमारी संप्रदाय के दो है, एक हमारे महाराज जी अंतर्ध्यान हुए चले गए और दूसरे में एक वैष्णव जगत में अवतीर्ण हुए, आज ये दोनों का जैसे बीस और जैसे अमृत है दोनों का जैसे आज ये मिलन का दिन है। इसलिए अभी हम नोएडा से आ रहे हैं, वहां पर बहुत भक्त लोग आए हैं, वहां पर इतने भक्त लोग तो वहां पर जितने, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन में कोई वहां पर भी अलाउ नहीं कर रहे थे इतना, लेकिन इतने दिन बाद में लॉकडाउन खुल गया तो आज बहुत सारे वहां पर भक्त लोग भर गए थे, बैठने के लिए जगह नहीं हो रहा था, सब बाहर खड़े हुए थे भक्त लोग, यद्यपि मठ वहां पर छोटा मठ है इससे भी तो छोटा, इससे भी छोटा है, इसलिए तभी वहां पर आज बहुत सारे भक्त लोग आज बहुत हरी कथा बोले हैं, वहां पर बहुत हरी कथा बोले, हम भी चाहते हैं यहाँ पर भी हमारे गुरु जी की कुछ कुछ कृपा पात्र भक्त लोग हैं वो भी गुरु जी की चरण में थोड़ी थोड़ी पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। हम सर्वप्रथम श्री नवीन प्रभु को हम आह्वान करते हैं, नवीन प्रभु जी आए और गुरु जी की चरण में ये श्रद्धा पुष्पांजलि करते नवीन प्रभु की जय। शिवा तुम भी बोलना गुरु जी का सब याद करो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अमो विष्णु महाराधिकाया श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायण गोस्वामिति नमः। सर्वप्रथम मैं अपने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादस्तुतस्य श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायण गोस्वामी महाराज जी की चरण सरोज में अनंत कोटि धन ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि तरफ प्रणाम है। उसके उपरांत नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि तरफ प्रणाम है। आज इन दोनों महापुरुषों की तिथि है, हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज आज ही के दिन इस धराधाम को छोड़ करके भगवान के नित्य लोक गोलोक वृंदावन में विराजमान हुए। श्रीमती राधा रानी की जो सुंदर सुंदर सेवा उनको जो है कर रहे हैं वो हमें वहीं से कृपा आशीर्वाद प्रदान करें। और भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज आज ही के दिन इस धराधाम को यहाँ पर हम सबको सुंदर तरीके से भक्ति की शिक्षा और भक्ति में लगाने के लिए उत्तीर्ण हुए। इन दोनों महापुरुषों की जय
जय जयकार हो। सन 1921 में 7 फरवरी में बक्सर जिला तिवारीपुर ग्राम में माता का नाम लक्ष्मी देवी, पिता का नाम बालेश्वर तिवारी जी के यहाँ पर ही अवतीर्ण हुए श्री गुरुदेव भक्तिविदान नारायण गोस्वामी महाराज। और उस समय मौनी अमावस्या थी जो भी आने वाली है, और मौनी अमावस्या में चुपचाप गुप्त अंधेरे में ये महापुरुष अवतीर्ण हुए, जिससे यहां पर जितना भी अंधकार छाया हुआ है उसको दूर करने के लिए अवतीर्ण हुए। श्री गुरुदेव की जब अवतीर्ण हुए तो दूर दराज से वहां पर आप लोग शायद नहीं गए हों, मैं गया हूँ वहां पर, बहुत सारे ब्राह्मणों के गांव भी हैं तिवारीपुर के आसपास। और वहां पर हमारे जैसे यहाँ पर श्री रविंद्र प्रभु जी पहले आकर के उन्होंने कोशिश किया प्रचार और प्रसार करने के लिए, वहां पर भी उन्होंने कोशिश किया, वहां पर जैसे एक मंदिर बने, इसलिए अभी वहां पर विशाल मंदिर बना हुआ है। उत्साह आग्रह से ही हैं प्रभु जी, मेरे को तो सबसे पहले कोशिश कर रहे थे ले जाने के लिए वहाँ पर कथा करवाने के लिए, लेकिन मैं किसी कारण से नहीं जा पाया। अभी प्रभु जी वहाँ पर विशाल मंदिर ही बना हुआ, और प्रभु जी अभी कुछ जब लॉकडाउन हुआ ना प्रभु जी वहीं पर लग हो गए थे और वहीं पर प्रभु जी गए थे कथा करने के लिए। और इन्होंने पहला बार जीवन में मुझे लगता है पहला बार उन्होंने गुरु जी के आशीर्वाद से और गुरु जी के गाँव में उन्होंने गुरु जी वहीं पर उन्होंने पूरी भागवत उन्होंने वहीं पर पूरी भागवत प्रभु जी पहला जीवन में पहला बार प्रभु जी वहीं पर कथा की है। इसलिए प्रभु जी वहाँ पर भी अभी भी वहाँ पर कोई पूजा जैसे रहे कोई सेवा पूजा हो उसके लिए प्रभु अभी भी प्रभु वहाँ पर चेष्टा करते हैं, जैसे वहाँ पर ठाकुर का सेवा पूजा तन मन धन से कोशिश करते हैं वहाँ की जैसे सेवा है प्रभु जी। गुरुदेव इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, वास्तविकता में हम इसके अधिकारी हैं। सच बात तो ये महान संत की अनुकंपा है, ये हमारे गुरुदेव जो यहाँ विराजमान है, शिक्षक गुरुदेव भी और हमारे दीक्षक गुरुदेव जो यहाँ विराजमान है, इनका अनुग्रह हम सच में समझ नहीं पाए। इन्होंने नाली के कीड़े को उठा करके अशुद्ध पक्ति में लगाने की क्षमता है लोगों, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए गुरुदेव की हम थोड़ा सा श्रवण करेंगे कथा। गुरुदेव अमावस्या के दिन प्रकट हुए, उसके बाद जब थोड़ा आसपास के गांव में पता चला कि बालेश्वर तिवारी जी के यहाँ एक बालक हुआ है, सब लोग वहां पधारे, उनका दर्शन किया और दर्शन करके सबने बधाइयां दी माता जी को। उसके उपरांत जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनका लालन पालन बहुत अच्छी तरीके से, इनका सुंदर गौर वर्ण लेकर के जैसे साक्षात चैतन्य महाप्रभु का ही अंश क्यों ना हो, इस प्रकार से सब लोगों ने देखा और आश्चर्यचकित हुए। और जब थोड़े से बड़े हुए तो इतने गंभीर कि जैसे अंदर कुछ चिंतन करते हो ऐसे प्रतीत होते थे, बड़े से मतलब ज्यादा बड़े नहीं, अभी चलते नहीं थे, घुटने ही चलते थे। इनको जहां पर बिठा दिया जाता था, किसी भी खाट में बिठा दिया जाता तो वहां विराजमान करा दिया जाता, तो ऐसे जैसे कोई साधना में लीन को तपस्वी हो योगी हो तो, और मैया अपने कामों में चली जाती थी और ये रोते नहीं थे। तो सब लोग इनको देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते थे, कैसा बालक है, मैया जाती है काम के लिए तो कोई साधारण बालक किलकारी मारता चिल्लाता रोता है, लेकिन ये बिल्कुल रोता नहीं थे। तो इनका नाम रखा भोलानाथ, ये तो भोला भंडारी है, जहां उनको बिठा दिया जाए वैसे ही हो जाते। समय बीता, थोड़े बड़े हुए और वहां पर जब कथा, क्योंकि वैष्णव परिवार में श्री संप्रदाय से दीक्षित इनके पिताजी, और वहां पर ब्राह्मणों का भक्तों का समागम हुआ करता था, सुंदर कथा कीर्तन श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम इत्यादि हुआ करता था। ये बालक अपने पिता के साथ हर जगह घर में हो या बाहर कहीं पर भी इस प्रकार की सुंदर सुंदर सभाएं हो वहां जाकर के बैठा करते और सुंदर तरीके से सब कुछ ग्रहण करते चले आ रहे हैं। समय बीता,
स्कूल में गए, स्कूल में हमेशा गुरुदेव के मुखारविंद से हमने श्रवण किया, प्रथम या द्वितीय अवस्था में रहे, कभी भी पढ़ने में खेलने कूदने में कभी पीछे नहीं रहे। खेलने कूदने की बात सुने तो आस पास के पूरे बक्सर जिले के अंदर इनसे तीव्र गति से दौड़ नहीं सकता था, इतनी तेजी से दौड़ते थे। और जब स्कूल जब बक्सर से बाहर सॉरी तिवारीपुर से जब दूर बक्सर जाना होता था, एक और गांव बक्सर के जिले में एक और गांव में इनका दूसरा स्कूल जब पड़ा तो ये तैर के गंगा जी को पार कर जाया करते थे और वहीं से वापस आते हुए भी तैर करके आ जाते थे। हमने देखी बहुत चौड़ी गंगा है उधर और उसको तैर कर पार करना संभव नहीं है। तैराकी बहुत अच्छे, दौड़ने में बहुत अच्छे, खेल कूद में, पढ़ने में, हर तरीके से। ऐसा नहीं जैसे आजकल कह देते ना कि भाई कुछ काम करने योग्य नहीं इसलिए साधु बन गया, वो नहीं, हर चीज में अच्छे, संसार के समस्त कार्यों में दक्ष, पूर्णता दक्ष, दक्ष भी छोटा पड़ जाएगा। और भक्ति में तो इन्होंने सबके सामने जो है दिखाई दिया, महान सुंदर कार्य जो समस्त जीवों को यहां पर सुंदर उच्च कोटि की उत्कृष्ट भक्ति प्रदान की, जो कि अभी भी हम समझ नहीं पाए किस प्रकार की भक्ति है। क्यों? क्योंकि इसको इस दृष्टांत से देखते हैं। श्री गुरुदेव बोलते हैं, जब मैंने अपने गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की कई कथाएं श्रवण की तो मेरे अंदर बड़ी उत्कंठा हुई कि भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का दर्शन कब होगा। वो हमेशा बताते थे कि वो वैष्णव ऐसे हैं कि हमेशा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उनको पूर्ण आशीर्वाद कृपा करते थे और बड़े प्रेम से उनको हमेशा जो है आदेश देते थे तुम हरि कीर्तन कथा जो है विदेश में जाकर प्रचार करना। तब उनको उत्कंठा हुई। देखो अभी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने कोई प्रचार नहीं किया, अभी ग्रस्त है और इलाहाबाद में उनका बिजनेस था जिन्होंने स्कॉन बनाया, उनकी बात बता रहा हूं। वहां पर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज 5-6 महीनों के घर में रहे और वहां पर सुंदर तरीके से भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने उनकी बहुत अच्छी सेवा की और रोज कहीं ना कहीं सभाएं करवाई, जिस प्रकार से हम सब बैठे ऐसे ही सुंदर कथा प्रवचन और कीर्तन का आयोजन करवाया और इतने युक्तिपूर्ण उत्तर देते थे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जो हर कोई समझ ना पाए। बातों बातों में मायावाद का खंडन किया भक्ति वेदांत स्वामी महाराज और भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। वो इतना आदर और प्रेम करते थे, ये दोनों गुरु भाई थे और वो हमेशा भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का पूर्णतः आदर करते। तो ये बता रहे थे इस तरीके से वो सब कुछ काबिल होते हुए भी इतना सुंदर तरीके से अभी भी ग्रस्त में है ये चिंतन करते थे। तो एक बार कलकत्ता में श्री गुरुदेव एक नया मठ का आयोजन हो रहा था तो उनके गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी जिस प्रकार से गुरुदेव यहाँ विराजमान है ऐसी कथा कर रहे थे, परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कथा कर रहे थे और अचानक से भक्ति वेदांत स्वामी महाराज आए तो एकदम कथा रोकी और एकदम से इशारे से कहा कि उनको लेवा के लाओ। वहां हमारे गुरुदेव उनको लेवा के लाए और आगे परम गुरुदेव ने आदेश दिया आगे विराजो, तो उन्होंने मना किया, नहीं बहुत बड़े बड़े सन्यासी और ब्रह्मचारी गण बैठे हैं मैं आगे नहीं आऊंगा। तब भी परम गुरुदेव ने उनको आगे उठाया, वो जानते थे कि इनकी क्या योग्यता। आगे चल करके पता चला कि दोनों जो भाई हैं गुरु भाई हैं इनका अंतरंग संबंध इतना प्रगाढ़ कि गुरुदेव को समझ में आ गया कि ये क्यों इतना इनको आदर और प्रेम करते हैं। और थोड़ी समय में बताया कि गुरुदेव ने उनकी रसोई बनाई और उनको वहां पर 5-6 दिन की सेवा प्राप्त हुई भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की। उसके बाद तो उन दोनों की भी अंतरंगता इस प्रकार की हुई, दोनों में पत्र व्यवहार होने लगा हमारे गुरुदेव और भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। तो ये सारी की सारी बात मैं इसलिए बता रहा हूं, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज पूरे विश्व में कहीं भी चले जाओ, चाहे अंग्रेज हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी कंट्री में इस्कॉन का प्रचार है, उन सब का प्रचार होने के बाद भी वो जब अंतिम समय में इस धराधाम को छोड़ के गए तो हमारे गुरुदेव का हाथ पकड़ के कहा कि देखो मैंने बहुत दूर दूर से लोगों को इकट्ठा करके लाए हूं और कुछ इसमें बंदर भी हैं, कुछ भालू भी हैं, मतलब अभी इनका आचरण भक्ति वाला नहीं है, इसलिए इनको वो जो
चैतन्य महाप्रभु यह देना चाहते थे, मंजरी भाव वाली भक्ति वो मैं नहीं दे पाया। इससे गुरुदेव से पहले और अभी भी थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं स्कॉन के अंदर मंजरी भाव की बातें नहीं होती थी, लेकिन शिव गुरुदेव ने जाकर के स्कॉन में स्वामी महाराज जी के आदेश अनुसार कि मैं जा रहा हूं और इनका ख्याल आप रखेंगे, इसलिए उनको सुंदर सुंदर मीठी मीठी जो राधा रानी संबंधित मंजरी भाव वाली जो सेवाएं हैं वो बताने प्रारंभ की और पूरे विश्व में फिर उसके बाद हमारे गुरुदेव ने प्रचार किया। बोलो श्री गुरुदेव की जय। तो ये इस प्रकार से जब थोड़े अभी बालक हैं, अभी मैं गुरुदेव के फिर से वापस तिवारीपुर गांव में आ रहा हूँ, ये तो बात स्मरण आई इसलिए उन्होंने बता दी। तो जब ये बड़े हुए तो वहां पर इनके पास में, जैसे यहाँ पर भी हम देखते हैं फौज की या पुलिस की जब भर्ती होती है तो पास में ही पुलिस की भर्ती होनी थी और उससे पहले एक कुश्ती जैसे दंगल होता है हमारे यहाँ पर, वहां पर भी दंगल का आयोजन हुआ। तो वहां पर ये गए अपने पिता के साथ, सारे गांव के आसपास के क्षेत्र के लोग, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े योद्धा वहां पहुंचे और जहां पर देखा इन्होंने प्रथम बार वहां हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो रहा है, वहां पर सब जो है मैदान का चक्कर लगाते हुए और जो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे हैं, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से ये जो महामंत्र है उन्होंने प्रथम बार सुना और बड़ा आकर्षित हुए, कहा कि इस महामंत्र में इतना आनंद है और उसको गुनगुनाते हुए वो पूरा उस खेल में उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि भक्तों जहां उसकी रुचि वाली वस्तु मिल जाती है वहीं आकर्षित हो जाता है। उसके बाद थोड़ा पुलिस की भर्ती में सबसे ज्यादा दौड़ने में तेज थी, तो पुलिस की भर्ती में जब दौड़ हुई तो ये अव्वल आए। बक्सर का छोड़िए, पूरे जो वहां का बिहार स्टेट का जो सबसे बड़ा धावक था उसको हरा दिया और उसने कहा कि मैं शायद स्टार्टिंग जो है मैं ठीक नहीं कर पाया, मैं दोबारा दौड़ना चाहता हूं। तो वहां पर जो पुलिस ऑफिसर थे सबने मना किया, नहीं एक बार ही मौका मिलेगा दोबारा नहीं। गुरुदेव ने बोला नहीं नहीं इनको दौड़ने दीजिए दोबारा दौड़ेंगे, और गुरुदेव ने उसके साथ फिर से दोबारा दौड़ लगाई और उसको पूरा हरा कर उसको जो है बता दिया कि गुरुदेव गुरुदेव। इस तरीके से हमारे गुरुदेव पुलिस फोर्स में भर्ती हुए और वहां पर भी जाकर के हमेशा हरिनाम इन्होंने श्रवण किया था, उस हरिनाम का मन में धारण करते हुए हमेशा चिंतन करते और रामायण हमेशा पढ़ा करते थे। ये अभी कृष्ण भक्ति इनकी जो थी वो अभी छिपी हुई है, लेकिन अभी राम में इनका बहुत मन है, हमेशा रामायण पढ़ा और रामायण को पढ़कर हमेशा अश्रुपूरित हो जाते थे, हमेशा सीताराम का जब हरे कृष्ण का जब ये किया करते। एक बार ऑफिस में बड़े अधिकारी आए और वहां पर एक फाइल नहीं मिल रही थी, इंस्पेक्शन चल रहा था, सब परेशान और ये हरिनाम कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे एक जगह बैठे। तो एक ने बोला तुम चिंता नहीं है, वो फाइल नहीं मिल रही है और बड़े अधिकारी आने वाले हैं, वो फाइल मांगेंगे। बोला वो जो ऊपर है ना वो रैक, उसकी जो तीसरी वाली जो है फाइल वो ही है, जाकर देख लो। गए और फटाक से निकाल लिया। देखो यहां गुरुदेव की जो है सुदक्षता दिखती है कि ऑफिस में पूरा ध्यान है और भजन में पूरा ध्यान। ये हम सब जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए शिक्षा है कि कर्म योग में एकदम से जो है ना हम एकदम सन्यासी या ब्रह्मचारी तो नहीं बन सकते, लेकिन कर्म योग करते करते शनै शनै हम जो है भक्ति योग में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरीके से गुरुदेव ने पट पट पर हमें आचरण के द्वारा सुंदर सुंदर शिक्षाएं प्रदान की। आगे जब एक बार इनके एक अधिकारी थे जो डीआईजी लेवल के थे, उनके पास ये जाया आया करते थे और ये उनको बड़े ही भोले और बड़े अच्छे लगे। इन्होंने कहा तुम मेरे पास आना, अभी हमारे यहाँ श्रीमद् भागवतम होने जा रही है, और वो बंगाली थे। तो इन्होंने बोला ठीक है सर मैं आऊंगा, और ये उनके घर गए तो देखा वहां महान महान वैष्णव लोग ब्रह्मचारीगण वहां पर प्रस्तुत है श्रीमद् भागवतम करने के लिए, जो नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी थे और एक और अन्य ब्रह्मचारीगण वहां संघ थे। जो नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी है बाद में वह जब संन्यास हुआ तो उनका हुआ नाम भक्ति कमल मधुसूदन महाराज। तो वो
वहां पर सुंदर बंगला में, क्योंकि सारे बंगाली लोगों की यहीं पर कथा हो रही है तो बंगाली लोग ज्यादा आते थे, तो बंगला में होती थी। तो वो जाकर के बड़ी सेवा करते, कीर्तन में सिर्फ उनको हरे कृष्ण महामंत्र याद समझ में आता था, बंगला समझ में नहीं आती थी हमारे गुरुदेव को, और वो सुन करके बस कीर्तन का अनुमोदन करते और सुंदर ताली बजाते, कभी करताल से उनका साथ देते। और फिर जब शाम हो जाती, जब सब लोग चले जाते सेवा करते ब्रह्मचारी गणों की, तब वो पूछते आपने क्या क्या आज कथाएं श्रवण करें हमें फिर से बताइए। तब दोबारा इंग्लिश में वो जो ब्रह्मचारी है उनको सुनाते, तब हमारे गुरुदेव ने उनका दशास्वादन करके और सुंदर सुंदर भक्ति के सिद्धांत उन्होंने ग्रहण किए और फिर उनसे जो है एड्रेस लिया, पत्र व्यवहार प्रारंभ किया। यहां से गुरुदेव का अब विरक्ति पत्र प्रारंभ हो गया, उनको अब नौकरी रास नहीं आ रही है और हमेशा, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र मिल चुका है उनको, इससे अच्छा कुछ नजर नहीं आता। और वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, और जब मौका लगे, अभी तक दीक्षा हरिनाम की भी नहीं हुई है लेकिन हरिनाम जपना उन्हें सीखना प्रारंभ कर दिया और सीख गए, और वो हरिनाम किया करते हमेशा ऑफिस में भी, घर में भी। अब बक्सर जब हर शनिवार जाया करते थे अपने गांव में, बक्सर से तिवारीपुर अपने गांव जाया करते थे हर शनिवार को, लेकिन अब जाने लगे हैं एक महीने बाद, डेढ़ महीने बाद और दो महीने बाद, और पत्र व्यवहार किया करते कि मेरा मन अब नहीं लगता, मुझे आना है, इस तरीके से ये करने लगे। समय बीता और एक बार ये इनका ट्रांसफर हो गया यहां से बक्सर से बिहार में, जगह का नाम मैं भूल गया, तो उधर एक मर्डर हो गया था। उस मर्डर में जाकर के देखा कि जिसका नाम आ रहा है वो दोषी नहीं है, उसको अच्छे से पड़ताल करके महाराज श्री ने लिख दिया ये दोषी नहीं है, ये जो है निर्दोष है, इसको जो है अपनी फाइल में लिख करके दे दिया। उनको जाकर के इन्वेस्टिगेशन करना था, हमारे गुरुदेव को इन्वेस्टिगेशन लिख दिया ये निर्दोष है, इसको कोई पकड़ने की जरूरत नहीं है। और बड़ा अधिकारी आया, कहा क्या बात करते हो, वहां मर्डर हो गया और जिस पर शक है उसको पकड़ा गया और तुम उसको निर्दोष घोषित कर रहे हो, तुम क्या न्यायालय हो, तुम क्या जज हो जो इस तरीके से तुमने कर दिया। तो उन्होंने कहा देखो मैंने जाकर के वहां गांव वालों से भी और जिसने किया उससे भी, क्योंकि वो भागा भी नहीं, सब कुछ ने सच सच बता दिया और जितने भी सबूत थे उसके विरुद्ध थे, उसको हम किसी भी तरीके से दोषी नहीं बता सकते। तब उसने क्या कहा बड़ा अधिकारी ने कि तुम भाई पुलिस के लायक नहीं, तुम जो है या तो साधु हो या फिर पुलिस में रहना है तो ढंग से रहो। अरे इतना अच्छा लाखों रुपए कमा सकते थे और तुमने उसको निर्दोष कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि मेरे से ही नौकरी नहीं हो सकती, किसी का गला काट के मैं धन नहीं कमा सकता। और उन्होंने तब चढ़ा भी फैसला लिया कि अब मुझे नवदीप धाम जाना, और तुरंत उन्होंने चिट्ठी लिखी कि किस प्रकार से आया जाए। और ये गए, देखो पहले इतना टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं था, इतना पता भी नहीं था कि कब आएंगे, लेकिन परम गुरुदेव अंतर्यामित्व रखते हैं, उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी महाराज इनको भेजा, भक्ति वेदांत पवन गोस्वामी महाराज जी को नवदीप स्टेशन भेजा कि जाओ आज रात्रि में जो ट्रेन आएगी उसमें तिवारीपुर से श्री नारायण तिवारी जी आएंगे। तो ये जाकर के स्टेशन पर लालटेन लेके खड़े हैं और खड़े होकर के जो देख रहे हैं कि ट्रेन आए, जैसे ट्रेन आई तो उसमें से कुछ पैसेंजर उतरे और ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं बड़े प्रेम से कि तैयारी जी हैं, कौन तैयारी जी है यहाँ, तैयारी जी कौन है। तिवारी भी नहीं बोला क्योंकि बंगला का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन उससे अलग है, तो तिवारी जी का तैयारी जी वो। तो उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ तैयारी जी, मैं हूँ तिवारी जी। और फिर दोनों भाई चले आए हैं और यहाँ पर आकर के मठ में महाराज श्री को उन्होंने प्रणाम किया और उनको प्रसाद पा करके इन्होंने जो है कर मठ की जो यात्रा चैतन्य भागवत पढ़े सुने हो, उसमें एक जगाई एक माधाई का नाम सुने हो, जगाई माधाई, हाँ उसमें बड़े गुंडे बड़े
ऐसे गुंडे शराब पीते थे, अगर किसी बदमाश इतने थे उनका नाम सुनते ही पूरा बंगाल कांप उठता था। अगर जिस रास्ता में दोनों भाई जग एक का नाम था जगदानंद बंदोपाध्याय, एक का नाम था माधवानंद बंदोपाध्याय। बंगला में जो बंदोपाध्याय वो ब्राह्मण है, अच्छे ब्राह्मण कुल में, लेकिन वो असत संग से वो शराब कैसे बोतल नहीं मटका में मटका में शराब पीते थे। जिस रोड पर खड़ी हो जाएगी ना रोज सुना हो जाएगा, रोड सब छोड़ देते थे, दूर से कैसे उल्टा पुलटा अंट सट बोल करके एक दूसरे पर गिरते थे, पड़ते थे दूसरे घर में आग लग, मतलब ऐसे कोई पाप नहीं जो उन दोनों ने नहीं किया। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वो तो दोनों को उन्होंने उद्धार किया, उनके ऊपर में कृपा किया। ये जो प्रभु जी इनका जीवन भी कर कर ऐसे ही था, लेकिन एक कथा सुनाएंगे कैसे गुरु जी कृपा से में ऐसे भी थे। इनका नाम ऊपर कर अज्ञान के बिना ज्ञान से अश्लाघ्य तत्को ओम से जो प्रयोग से सब भक्त बिना नारायण वो सब महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रणाम ले देवता पावन गोसाई महाराज जी के चरणों में बिना या अपन मंच में विराजमान तेरे शिक्षा गुरु श्रीधर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गढ़ी गांव कालका जी सब गए होंगे रथ यात्रा होती हूँ, तो कालका गढ़ी गांव में मेरा जन्म हुआ। ज्यादा मारा जी शॉर्ट में थोड़ा सा ज्यादा हाँ सर सर कोई नहीं बोलते हाँ सर हाँ। तो गांव की माहौल में जैसे गांव के लोग होते हैं तो अपने उसी माहौल में था, कोई भक्ति ऐसा कुछ पता नहीं था। तो गांव के बाहर इस्कॉन मंदिर बना हुआ है, तो कालका देवी का मंदिर भी है। हाँ तो 300-350 साल हमारे गांव में बस ये हो गए, तो देवी के भक्त हम सही पूछे कालका देवी काला टीका लगाना और अंदर से वही मारकाट वाला अंदर से हाँ वही तो आपका मारकाट वाला। तो अपने माहौल के हिसाब से सब चीज से संपन्न थे, संपन्न मतलब खाना पीना मारना काटना किसी चीजों से सब चीज संपन्न थे। जैसा अमूल अमूल तमोगुण के वो बादशाह थे, तो वहां जाते थे कालका देवी मंदिर जाते थे। पीछे ऊपर आप गए होंगे शिव मंदिर भी है, तो शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे मैं गुरु जी ने मेरे जैसे आपी को भी अपने सर पे लिया, तो शिव मंदिर भी हम जाते थे। शिव मंदिर जाते थे तो वहां हमारे गांव का एक भक्त था बहुत, तो गुरु जी से हमारे गुरु जी से हो पर परिचय था, कथा भी सुनते थे जाते थे, तो बहुत गुरु जी का नाम लेते थे। ऐसे ऐसे महाराज जी कथा होती गुरु जी हमारे बैरी गुरु जी यहाँ गुरु जी आना शुरू किए थे दिल्ली में, तो हमें उन्होंने बताया ठीक है। तो हम जाते थे देवी मंदिर जाते थे, वहां से हमने शिव मंदिर जाते थे, तो हमारी शिक्षा गुरु समझो अच्छी चीज सिखाते, कह रहे क्या लड़ाई झगड़े में रहता है ऐसे ऐसे मंदिर को लेके चलूंगा एक बार वैष्णव आते उड़ गए चलो एक बार दर्शन करना मैं चलो चले गए। तो मैंने बोला आप बोलो गुरु बहुत अच्छे, तो मुझे क्या बताओ मेरे गुरु है जहाँ से जो जुड़ा होता है वो सोचता हमारे हम तो गुरु जी की बहुत कहेंगे हमारे महाराज जी जैसा कोई नहीं, तो दूसरा कहेगा तेरे महाराज जी हमारे तो नहीं है या तो उनके कुछ ऐसे गुण प्रकट हो जिससे उनकी इच्छा हो, तो बहुत बोलते थे मैं चलो। तो वहां जाते तो मैं फिर कैसे कर मेरे को बताओ ना अगर मेरे गुरु कैसे मिलेंगे, तो उन्होंने बोला कहाँ जाता तो मैं कालका मंदिर जाता हूँ शिव मंदिर जाता हूँ फिर मैं, तो बोले तो जहाँ भी जाता शिव बोले शिव मंदिर से ही वहां जाके भगवान से प्रार्थना करना अगर इस पृथ्वी में कोई गुरु है तो मुझे अपने गुरु से मिलाओ। तो उन्होंने मेरे बोल दिया ऐसे प्रार्थना करनी है, मेरी थोड़ी मोटी बुद्धि आई शुरू से जो मतलब एक बार ठान लिया जो बोल दिया मतलब ज्यादा भी घूमने वाला मेरा वो नहीं था अंदर से सीधा जैसे बोल दिया उसी पर चल पड़ता था मैं। तो मैं जाऊँ ना गार्डन मंदिर जाता था वहां भी देवी माँ मेरा कोई गुरु है तो मुझे बताओ प्रकट, फिर शिव मंदिर जाते थे बोले बाबा तो परम वैष्णव ऐसा कुछ बता ही देता, तो बोलो शिव मंदिर में जाना मैं प्रार्थना करता था ये बोले बाबा अगर इस पृथ्वी मेरा कोई गुरु तो मुझे उनसे मिलाओ मेरे जीवन के ऐसे चला जाएगा इसी पालतू में। तो वो बोला तो वही रट्टा मारता था मैं जाके बोले बाबा कहाँ सर्दी हो या गर्मी हो दड़ा बाकी भर भर जाए, तो बोले बाबा अरे अच्छा भैया तो मैं बताओ जब जाता जब मंदिर कोई नहीं होता था मेरे गुरु कहाँ प्रकट करो मुझे बताओ मेरा गुरु कहाँ है गुरु तो होगा, तो मेरी यही प्रार्थना होती थी।
तो भूल के भी करता था और भोले बाबा के हाथ में मिला के हाथ भी अंदर ही अंदर तेई भी प्रार्थना करता था मैं। और उसी समय हमारे गांव के लोग जा रहे थे कावड़ लेने, तो भी कावड़ लाना कहाँ से लाना, आ जाना वो मुख जी, तो भोले बाबा से प्रार्थना करता था चलो उनकी कृपा हुई होगी, तो कावड़ लेके आ गए जी, कोई बात नहीं। उस समय फिर गुरु जी शोकला दुर्गा मंदिर आप गए हमारे जी के भागवत भी दो तीन बार, तो वहां गुरु जी आए हुए थे, तो एक हमारे भक्त आपको बोल रहे भाई गुरु जी के लिए जिनके लिए बोलता था वो गुरु जी आए हुए हैं, तो तुम बोलता चलना चल मैं चल बिला कर, तो हम मुझे वहां ले गए गुरु जी के पास, मैं जाके गुरु जी सामने बैठे थे तो महाराज जी बैठे मैं पीछे था, तो जैसे ही प्रणाम करके भीड़ बहुत थी, तो जैसे मैं ऐसे खड़ा हुआ तो मैं दूर से ही देखा गुरु जी का एकदम देख रहे एकदम गोरा रंग नीली नीली आगे गुरु जी की, मेरी दूर से गुरु जी ने मतलब समझो उसी समय से फिर वैसे दृष्टिपात किया गुरु जी, ऐसे देखा दूर से और मेरा आँख एकदम अपने आप ही जो ना आंख कर गई आंसू आने लगे, अब मैं दूर से कह रहा हूँ जो मेरे को ले गया मैंने यार तो कोई अंग्रेज अंग्रेज महाराज है तो अंग्रेज तुम तो बोल रहे थे ये तो अंग्रेज है, कह रहा जी तुम अभी सुनो कथा महाराज जी की, अब मैं बार है तो अंग्रेज है तो अंग्रेज प्रणाम करा गुरु जी से, तो मैं हमारे प्रभु जी हवा कर रहे थे हवा कर रहे थे हवा करने से उनकी कृपा मिलेगी मैं दया मैं तो ये जो चीज मुझे पता लग जाए किसी महाराज जी को बोलते मैं उससे छीन लिया, कह रहा भैया मेरी सेवा हट पीछे मत भेजती हमारी हम कहा जाएंगे मैं छीन लिया भेजना मेरे भी समय था महाराज जी ऐसे जोर जोर से कर देना था तो बहुत जोर जोर से करा था महाराज जी तेरे ऐसे देखा मेरे तरह हंसने लगे जो कह रहे मैं करा कह रहे ठीक है महाराज जी अब तो चले गए महाराज जी। उसके बाद दूसरी बार आई महाराज जी तो जैसे मैंने बोला मुझे भी नाम दिला दो, कह रहे हरि नाम होगा और गोपाल मंत्र होगा मैं जो भी होगा दिला दो मुझे नहीं पता क्या होगा मुझे तो बस गुरु बढ़ाने, तो गुरु जी उन्होंने मेरे को नाम दिला दिया। दूसरी बार मैं पटेल नगर की तरफ महाराज जी जाते थे तो वहां जाके जब फिर मैं गया तो मैंने गुरु जी से बोला, फिर दूसरा समय आ गया कावड़ लाने का जैसे साल भर हो गया, तो मैंने बोला भी मैंने कावड़ लाने दो बूंदे दो वाल लानी होती है, तो हमारे एक गुरु जी ने संजय गुरु महाराज जी तो साथ में हम दोनों साथ में नाम लिया, तो कह रहा मैं गुरु जी से पूछा कि दूसरे बार लानी मिलानी, वो थोड़ा दिमाग का तेज आ उसे पता मौज मस्ती आ गया गुरु जी मना करेंगे पक्का उसको पता था कि किस भक्ति मांगे हम, अरे एडन का ही पूछे मैं पूछे थे मैं गुरु का ही बात को पढ़ाई मैंने गुरु पढ़ाए तो पूछना पड़ेगा, और बार बार फिर हाथ पाड़ा खींचे पीछे अरे एडन अरे एडन अरे एडन हमारा तो पक्का हो गुरु पढ़ाया तो गुरु जब तक नहीं बोले मुझे जाना नहीं, और वो बार बार कह रहा तो मैं जब महाराज जी की सभा होगी पूरा कथा तो होगा तो मैं तो सुशील प्रभु थे मैंने वो कह रहे तू पूछना गुरु पढ़ेगा, तो मैंने मैं क्या कोई थोड़ी है गुरु जी से क्या डर था जब गुरु जी बढ़ाए तो गुरु जी से पूछूंगा मैं, तो मैं खड़ा हो गया गुरु जी से मैं महाराज जी मैंने आपको गुरु बना दिया आपने मेरे को नाम दिया कह रहे तो मैंने मैं कावड़ लेकर आता हूँ गुरु जी तो हर साल लाता हूँ बोलते दो बार लानी होती आप बताओ, तो गुरु जी कह रहे पहले मेरा मन रखने के लिए बोले चले जाओ मैंने महाराज नहीं आप बोलोगे तो फिर कह रहे कोई बात नहीं बोलते दो बार लानी होती महाराज जी कह रहे कोई बात नहीं मैंने बात नहीं महाराज आप बोलो पत्थर की लकीर है मैं तो मोटा मोटा समझवाता मेरे को मेरे से हाँ ना बोलो महाराज हाँ बोलो तो जाऊं ना बोलो तो ना जाऊं, तो गुरु जी ने बोला फिर मेरे से ऐसी आंख में डाल के खूब कह रहा कृष्ण भक्ति मांगे हरी भजन में सब का हुआ जगह जगह घूम रहे थे एनर्जी में कुछ नहीं सब कुछ यही मिलेगा कृष्ण भक्ति में, तो मैं ठीक है महाराज जी अब मैं करके पढ़ना मैं ठीक महाराज जी ने बोल दिया नहीं जाना तो नहीं जाना, अब मैं एकदम चलने लगा गुरु जी मेरे आवाज दे बुलाया इधर आओ इधर, मैंने बोला महाराज जी फिर ऐसे पास में आ गया ऐसे आगे एकदम बोला कितने कावड़ ले गया था महाराज जी मैं ले गया पैदल मना महाराज जी नंगे पैर बना महाराज जी तो चाले पड़ गए होंगे महाराज जी बहुत जाना तो कह रहे क्या मांगा महाराज जी क्या मांगा अरे कोई कुछ ना कुछ तो मांगता जब तो कष्ट उठा के गए पर मैंने मांग मांग लिया मेरे कुछ मतलब ऐसे गया था बोला जाना तो चले गए महाराज जी, अरे कुछ तो मांगा होगा मैं कह रहा मैंने महाराज जी फिर मैंने महाराज जी मैं तो कुछ नहीं मांगा कुछ तो मांगता होगा बोले बाबा से जब बोला ना मांगता होगा फिर मेरे को महाराज जी ध्यान आया
मैंने हाँ महाराज याद कर, मैंने महाराज कह रहे कुछ मांगता था मुझे, फिर महाराज जी ने बोले तो बोले बाबा साहब के गुरु को नहीं मांगता था। अब मेरे जैसे मोरागढ़ जो तापसी परवर्ती वाह उसके लिए गुरु जी की लीला करनी जरूरी थी, गुरु जी को अपना ऐश्वर्य दिखाना था, मैं मानता नहीं ना ही भजन में कितने समय चलता, साल दो साल के मैं जाता पीछे। तो गुरु जी ने बोला तो बोले बाबा से मांगता था नहीं मांगता था, मेरा एकदम से पूरा एकदम सही काम का हिले आ रहा। तो मैं गुरुदेव आपको कैसे पता, गुरु जी कह रहे नहीं मांगता था ना, मैं बिल्कुल गुरु जी पर आपको पता कैसे लगा। जी कह रहे तो मांगता था ना, मैं गुरु जी मांगता था पर ये तो भोले बाबा की मेरे बीच की बात थी, आपको कैसे पता लगा। तो गुरु जी कह रहे मेरा नाम ही बोला, मैंने कहा आप ही बोले ना, तो खुद भोले बाबा हो, कह रहा हाँ मैं ही भोले बाबा हूँ, मेरा ही नाम बोला था, इसलिए तुम्हारा इसलिए मैं तेरा गुरु हूँ कि मैं गुरु सब जानता है कि तेरे अंदर क्या चल रहा था। तो महाराज जी मेरे तो मेरे गुरु जी ने बस क्या बताऊ, ऐसे मेरे जैसे पूरा और जो तामसिक संसार की उसमें आसक्तियों में संसार समाज मेरा समाज मेरा गुजर समाज मेरा गांव मेरी इज्जत मेरा फलाना, अभी मतलब कि चंते के साथ किसी ने बोला ये हो गया तो चल गया सारा सामान चल जाके, इधर आ चल जाकर उसको ढोक दिया, कोई डर नहीं था कोई बुद्धि नहीं थी, किसका कर रहा हूँ क्यों मार रहा हूँ किसको बेमतलब मार रहा हूँ कुछ नहीं था। मेरे जैसे ऐसे नर के कीड़े को जो संसार की आसक्तियों में गांव के उसमें तरह तरह की गलतियां गांव में जानते हो मतलब झगड़ होते उसका परिवार उसने ये कर दिया उसने ये कर दिया तो कैसे कैसे उसमें अटका हुआ मेरे जैसा। तो गुरु जी को पता था इसको कैसे निकालना, तो मेरे साथ ऐसी लीला की गुरु जी ने, और बस मैं तो कह रहा हूँ क्या कहूँ मैं, मेरे जैसे इस पृथ्वी मेरे जैसे न लायक चेला गुरु जी का हो ही नहीं सकता। गुरुदेव की जय, प्रभुपाद की जय। और किसको बोलूंगा तुम खड़े हो जाओ बोलो फटाफट हाँ ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय करभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय भक्ति सिद्धांत स्थापिने श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी नामिने। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म दिव्यंगी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में जगभर प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत आज जिनकी शुभ तिरुभाव तिथि है नित्य लीला प्रवीतो विष्णुपाद श्रोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार विंदों में मेरा अनंत कोटि जगत प्रणाम। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्रोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि जगत प्रणाम। यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य अनुग्रह। गुरुदेव ने आज्ञा दी है आज ऐसे हमारे गुरु वर्गों की तिथि है उसके विषय में कुछ बोल करके एक पुष्पांजलि देने के लिए गुरुजी ने कहा। लास्ट में जो सेमिनार होगी कितना तारीख को 9 तारीख को सेमिनार उसी विषय में सुना। कुंती महारानी ने भागवतम जो भागवतम पढ़ते हैं कुंती महारानी ने भगवान की स्तुति करते समय जब कृष्ण द्वारका की ओर वापस जा रहे हैं
जब वहां कुंती महारानी ने स्तुति करते हुए कहा जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री। वहां कृष्ण को कुंती महारानी कह रही है प्रभु जन्म ऐश्वर्य शुद्ध सुहाश्री सुहा। और कोई एक वैली होगा उसको पीछे भी जा सकता है, पीछे मतलब बड़ी है। आप लोग थोड़ी आगे थोड़ी आगे आ जाओ। आप लोग जो भाई लोग हैं हरे कृष्ण, आप लोग थोड़ी सी इधर उधर उधर और उधर उधर माताएं थोड़ी सी इधर आ जाओ। माताएं हर जगह में बड़ी हैं। वृंदावन में सब राधा रानी का नाम लेते हैं। हाँ बोल बोल। हरे कृष्णा। कुंती महारानी कहती है जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री। जन्म अगर किसी का उच्च कुल में जन्म हुआ हो, ऐश्वर्य अगर किसी के पास बहुत बड़ा पद धन संपदा हो, ऐश्वर्य श्रुत अगर कोई बहुत विद्वान हो, बहुत उसे ज्ञान हो, श्रुत श्री और सौंदर्य जो रूप का सौंदर्य। कुंती महारानी कहती है कि अगर ये चार में से किसी के पास अगर एक भी हो जाए तो वो व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, अभिमान में ही रह जाएगा, मद में कि मेरा जन्म बहुत उच्च कुल ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ। ऐश्वर्य मेरा पद तो देखो कितना बड़ा है। श्रुत देखो मैं कितना विद्वान हूँ, वेद पुराण शास्त्र इंग्लिश फ्रेंच जर्मनी सारी लैंग्वेज मुझे आती है, मैं इससे बड़ा विद्वान कोई नहीं। श्री अगर कोई सुंदर हो ना शरीर का, उसे बड़ा घमंड होता है, वो भी भक्ति नहीं कर सकता। कुंती महारानी कह रही है ये बात को, लेकिन देखिए भगवान के देखो जो भेजे हुए निष्कर्ण होते हैं महाराज जी, श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, ये चारों के चारों गुण पूर्ण रूप में इनमें विद्यमान, पूर्ण रूप में महाराज जी का सौंदर्य जैसे सब बता रहे ना, जितने भी बड़े श्रेष्ठ वैष्णव जिन्होंने महाराज जी का दर्शन किया वो कहते हैं कि एक बार केवल देख लेने से ही, जैसे कृष्ण जो है ना एक दृष्टि से ही सबका हृदय को चुरा लेते हैं गोपियों के हृदय को, ऐसे महाराज जी केवल एक दृष्टि से ही सबके हृदय को चुरा लेते हैं। सौंदर्य और महाराज जी का जो आपने अभी बताया महाराज जी कितने बड़े ऑफिसर थे और महाराज जी कितने विद्वान शुद्ध वेदांत सूत्र के ऊपर उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया, गौड़ीय मटका जो जिसको वेद कहा जाता है जैव धर्म उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, बहुत कठिन है बांग्ला से हिंदी में ट्रांसलेट करना, लेकिन महाराज जी ने कर दिया। श्रुत इतने विद्वान सभी सुश्रुतियों का ज्ञान महाराज जी को, और श्री भी बता दिया, और जन्म उच्च कुल ब्राह्मण तिवारी कुल ब्राह्मण कुल में महाराज जी का जन्म हुआ, और धाम के अंदर वहां जो बक्सर जिला जहाँ महाराज जी का जन्म हुआ वही स्थान है जहाँ अहिल्या जो भगवान राम ने चरण छू करके अहिल्या को तीर्थ स्त्री बनाया ना, वही वो स्थान है जहाँ अहिल्या को उद्धार हुआ, वहां पर जन्म हुआ। ये चारों के चारों गुण है कि नहीं पूर्ण रूप में, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति कर और सारे जगत को ऐसे नहीं खुद कर लिया, सारे जगत को लगा दिया। आज सब लोग बैठ करके सब लोग जब भजन कर रहे हैं सब कर रहे हैं, वही महापुरुषों की देन है। दोनों महापुरुषों का आज आविर्भाव तिथि, एक का तिरुभाव तिथि है। महाराज जी के विषय में तो सब लोग बोलेंगे, लेकिन मैं अभी जो 10-5 मिनट में हमारे नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज जी के विषय में कुछ बताऊंगा। महाराज जी के एक शिष्य हैं जिनका नाम अभी है पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री जनार्दन महाराज, वो पुरी में बंगाल इधर ही रहते हैं। एक समय पर हम जब वापस आ रहे थे जगन्नाथपुरी से तो महाराज जी हमें एयरपोर्ट पे मिले, एयरपोर्ट पे फ्लाइट में 2-3 घंटा था तो महाराज जी के पास गए, वहाँ बहुत ठंडा था तो महाराज जी को शॉल दिया, वहाँ महाराज जी के पास बैठ गए, वहाँ बैठे तो महाराज जी ने बड़ी सुंदर सुंदर वहाँ हरी कथा सुनी। हमने पूछा महाराज जी आप अपने और आपके गुरुदेव उनके गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी आप उनके विषय में कुछ बताइए, तो उन्होंने बताया कि ये जो मैं खड़ा हूं ना अभी तुम्हारे सामने बैठ करके बोल रहा हूँ, बोला मैं तो मर चुका था, मुझे प्राण दान दिया है गुरुदेव ने। हमने बोला महाराज जी वो कैसे, फिर मैं उसकी कथा सुना, बोला एक समय हम लोग कार में 4-5 लोग बैठ करके किसी प्रचार कार्य से जा रहे थे, महाराज जी बैठे हुए थे, मैं भी उसमें बैठा हुआ था, उन्होंने कहा गोपी ब्रह्मचारी नाम ऐसा कुछ ना, गोपी कांत ब्रह्मचारी वो भी गाड़ी में बैठे हुए थे महाराज जी, और ऐसे 3-4 लोग गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे।
एकदम से गाड़ी का बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ, बहुत खतरनाक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, और जो गाड़ी का पहिया है ना वो महाराज जी के सिर पर से, जो जनार्दन महाराज जी जो गोपीकांत ब्रह्मचारी उनके सिर पे से होकर के गया, और जो देखने से ऐसा लगा जैसे कि ये मृत्यु हो चुकी, अभी शरीर में प्राण नहीं है। वहां पर एक आश्चर्य घटना हुई, वहां जितने लोग थे और लोग उन्होंने देखा, इसलिए वामन गोस्वामी महाराज जी वहां बैठ करके वहां प्रार्थना कर रहे, भगवान से प्रार्थना कर रहे कि ये जो मेरा शिष्य है इसको ठीक कर, वहां प्रार्थना कर रहे। तो बाद में जनार्दन महाराज बता रहे थे कि वहां गुरुदेव ने सबको आह्वान किया, वहां राधा कृष्ण को बुलाया, वहां महाप्रभु आए, वहां नरसिंह देव आए, सारे के सारे वहां पे भगवान प्रकट हो गए। जैसे महाराज जी नावन है शुद्ध भक्त जो बोलेंगे वो होगा, उन्हें बोल रहे हैं कि ये जो मेरा सेवक है इसको पुनः जीवन दान दीजिए। वो कह रहे कि इनका समय यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। वो महाराज बोले, महाराज बता रहे थे, महाराज जी ने कहा कि मैं बचपन से मठ में आया, बचपन से छोटी उम्र में 8-9 साल का मैं मठ में आ गया, सारे जीवन मैंने सेवा करी, मैं कभी कुछ मांगा तो कभी कुछ नहीं मांगा, भाई आज मेरे ब्रह्मचारी को आप जीवन दान दो। और जब ऐसा बोला तो वहां तथास्तु 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 वहां भगवान कह रहे, जिसको कि वहां जो बाकी जो बात हो रही थी वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो तथास्तु शब्द है ना ये सुना सब लोगों ने वहां जो लोग उपस्थित। और वो देखते देखते महाराज जी को जब एडमिट किया, देखते चमत्कारिक रूप से, कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन गए और ठीक हो, अभी भी है महाराज जी कथा सुनाते बहुत सुंदर सुंदर। ऐसे ही गुरुवर और दोनों का बड़ा मधुर संबंध, बहुत प्रेम का संबंध। आज देखो तो आश्चर्य, आज एक का आविर्भाव दिखती है और एक का तिरुभाव दिखती है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे किस प्रकार वो स्टेशन पे लेने आए थे, नारायण तिवारी कौन है, नारायण तिवारी कौन लेने आए थे कि नहीं लेने आए थे, पता। एक बार फिर जब महाराज जी जगत में, जब उस जगत में गए हैं तो वहां भी महाराज जी लेने के लिए आए हैं। सब गुरुवार की बातों को बताते हैं। और श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनका वैशिष्ट्य ऐसा है, उनकी हरि कथा इतनी मधुर है, ब्रज की लीला ऐसे महाराज वर्णन करते हैं, आप लोग सब यूट्यूब पे सुन सकते हो, ऐसा सुन करके लगेगा जैसे प्रकट कर दिया है वृंदावन को वहां, कि कोयल कूब रही है, झूलन का समय चल रहा है, सारे ब्रज में सरोवर तालाब सब लबालब भर चुके हैं, उनमें जूही बेली चमेली के सुंदर सुंदर फूल उगे हैं, उनको बह करके मंद सुमंद हवा बह रही है, इसको देख करके घन घन बादल को देख करके मोर नृत्य कर रहे हैं। इतनी सुंदर हरि कथा महाराज जी की, जब उसको जब बोलेंगे मधुर मधुर कथाएं बोलेंगे तो इतना आनंद आ जाएगा सुन करके कि कानों को इतना मीठा लगेगा, और जब सिद्धांत बोलेंगे तो इतना इतना बड़ा बड़ा सिद्धांत महाराज जी बोलेंगे कि कोई बोर भी नहीं होगा, और सबके हृदय में उन बातों को भी उतार देंगे। ऐसे गुरुवर को भी स्थिति है, आज हम लोग तो बैठ करके सुन रहे हैं, महाप्रभु ने कहा है, जब हरिदास ठाकुर का निर्जन महोत्सव हुआ था उसमें कहा था, ये जो मेरे जो वैष्णव है, जो मेरे भक्त है, इनका जो तिरुभाव तिथि है, इनके अगर कोई बैठ करके गुणगान कर ले, अगर उनके जो ये उत्सव है तिरुभाव उत्सव, अगर इस उत्सव के अंदर कोई एक दाना भी अगर दान में दे, और सिर्फ दाना नहीं कुछ भी दान में दे, अगर आकर केवल बैठ गए, यहाँ तक कि बताया कि जिसने बस केवल बैठ करके हरि कथा सुन लिया, प्रसाद तक भी पा लिया, तो महाप्रभु कहते हैं उसको मैं अवश्य कृष्ण प्रेम दूंगा ही दूंगा। इसलिए हम लोग इसे बैठ करके हम लोग कथा सुन रहे हैं कि हमारे गुरु वर्ग जो है हमें कृष्ण प्रेम दिलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उन्हें बिठा करके हरि कथा को सुना रहे हैं। बस मैं इतना ही बोल करके यहाँ पे रखूंगा, और जैसे गुरु जी ने कहा है सेमिनार के लिए बच्चों के लिए वो बहुत जरूरी है, बंद कर सेमिनार बहुत जरूरी है। जैसे हमने पिछली बार बताया था कि हम लोग प्रोजेक्टर से और यही गीता भागवत इनकी सारी शिक्षाओं को आज के जमाने के हिसाब से कैसे एडवांस साइंटिफिक रूप से हम लोग उसको सीख सकते हैं, ताकि अगर हमसे कोई पूछे तो हम आंसर दे सकते हैं। बच्चों को ये ना लगे कि ये जो भक्ति है ये मनगढ़ंत वस्तु है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब हम इसको साइंस से रिलेट कर लेंगे ना तो हमें पता लग जाएगा कि ये सबसे ज्यादा साइंटिफिक अगर कोई वस्तु है दुनिया में तो वो भगवान की वाणी है, गुरु वर्गों की वाणी है। ये जो ऋषि मुनि होते थे ना जो आश्रम में रहकर के भजन करते थे, ये लोग सब बड़ी बड़ी रिसर्च करते थे। आप लोगों ने आर्यभट्ट का नाम सुना है, आर्यभट्ट का नाम सुना होगा आपने, सुश्रुत का नाम सुना होगा आपने, बहुत सारे जो नागार्जुन का नाम सुना होगा, सुना है ना सब लोगों ने। ये लोग सब की कोई मैथमेटिशियन है, कोई जो सर्जरी होती है उसका एक्सपर्ट है, ये सारे ऋषि हैं। अगर आप इनकी फोटो देखोगे ना तो ये लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे,
ये लोग सब जैसे गुरु जी बैठे ना इस वेश में, सारे सन्यासी वेश में, सारे ब्रह्मचारी वेश में शिखा रख करके और धोती कुर्ता पहन करके आश्रमों में रह करके वो लोग रिसर्च करते थे, जिनके नाम पर ये जीरो जो भारत के नाम पर पेटेंट है, जगदीश चंद्र बोस, ये भी इस प्रकार से थे सारे के सारे लोग। इसलिए कि इनसे बड़ा तो कोई साइंटिस्ट अभी तक हुआ नहीं ना भारत में, कि हो गया कोई अभी, कोई नहीं हुआ, और जो भी हुए हैं इनको पढ़ करके आगे हो रहे। और एक भाभा सेंटर है, एटॉमिक सेंटर है भाभा। एक समय क्या हुआ, एक बच्चा था वो जाकर के एडमिशन लेने गया, उसका एडमिशन वो भूमि जागर जो भाभा इंस्टीट्यूट है उसमें जाकर के वो ट्रेनिंग लेने वाला था न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, तो वो उस स्थान पर चला गया और जाकर के बैठ गया। बैठ गया तो उसने देखा कि वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठ करके गीता पढ़ रहा है। एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, क्या पढ़ रहे हैं? गीता पढ़ रहे। गीता पढ़ रहे थे तो जाकर के पूछा कि आप ये गीता क्यों पढ़ रहे हो? तो देखो बड़े ध्यान से गीता पढ़ रहे। बोला तुम ये गीता पढ़ के ना समय को खराब कर रहे हो, आप क्या पढ़ो? न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ो, भविष्य तो न्यूक्लियर एनर्जी में, फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शन, ये वो, एक का तीन, तीन का दो, नौ का 27, ये सब पढ़ो आप। वो बोले कि ये सब पढ़ने से क्या होगा? बोला ये सब पढ़ने से तुम देश के काम आओगे, ये गीता पढ़ने से तुम देश के काम नहीं आओगे। वो बोले अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम कह रहे हो तो मैं जरूर पढ़ूंगा। जब वो जाने लगे तो मैं पूछा अपना नाम तो बता जाओ कौन हो? बोले बेटा जिस कॉलेज में तुम एडमिशन लेने जा रहे हो ना वो मेरे ही नाम पर है, बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, वो पूरा वो न्यूक्लियर एनर्जी का। इसलिए ये जो गीता पढ़ते हैं भागवत पढ़ते हैं ना ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, ऐसे साधारण हमें नहीं समझना चाहिए। इसलिए जो सैटरडे संडे दो दिन हम लोग वो सेमिनार रखेंगे, आप लोग सभी आइएगा। बच्चों को स्पेशली जो 8th 9th से लेकर के जो भी कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या जॉब करते हैं सबको लेकर के आपको यहाँ भेजना ही भेजना, जरूर ही भेजना है। वो एक बार आएंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि कितनी अच्छी बातें हम यहाँ पर सिखा रहे हैं। बस ये बोल के अपनी बात नहीं बोलती। 11th 9th 10 11th 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 10 11
जो थोड़ी सी लिखी पढ़ी अच्छी तरह से हैं, अच्छी तरह से जो लिखी पढ़ी है आप लोग थोड़ी अच्छे तरह से इसको समझना और अपना अड़ोसी पड़ोसियों को भी ये बात समझाना, ठीक है ना। ऐसे नहीं, मैंने देखा कुछ कुछ माताएं कहाँ थे ऊपर, बोले बी एड किया, बी ए किया, कोई एम ए किया, मैंने रोटी बनाने के लिए किया। इसलिए देखो ये पढ़ाई की, ये भगवान स्वयं कहते हैं ये विद्या की कभी सार्थकता है। विद्या मतलब क्या होता है, ये संस्कृत शब्द है। वीद मतलब होता है ये वीद से विद्या बिना, वीद मतलब होता है जानना, वीद मतलब जानना। तब ये विद्या की तभी सार्थकता है जब हम भगवान को जान सके। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु एक बहुत बड़ा विद्वान था जिसका नाम था केशव दासमुनि। ये माँ सरस्वती की बरपात्र है, ऐसे उन्होंने सरस्वती की उपासना की, उन्होंने आशीर्वाद दिया पृथ्वी में कोई तुमको परास्त नहीं कर सकता, सारा दुनिया को उसने जय जय करते करते, और जिसको जय करता था उसका चेला बनता था और हाथी के ऊपर बैठ करके नागड़ा बजाते हुए जय जयकार करते हुए चलते थे। उसने उसको पता चला सारा दुनिया को मैंने जीत लिया, लेकिन केवल एक नवद्वीप में एक एक श्री चैतन्य महाप्रभु को एक बेटा है, है? उसका नाम था नीमाई है। हमने सुना ये बहुत उस समय 15-16 साल के महाप्रभु थे, बोले अगर मैंने ये नवद्वीप को परास्त कर दिया ना सारा दुनिया मेरे हाथ की मुट्ठी में आ जाए। अभी वहां के जितने बड़े बड़े विद्वान सब कहां उठे, क्योंकि बड़ा नाम था नवद्वीप का, वो सब के सब डर गए क्योंकि उनको पता चला ये सरस्वती की ये बरपात्र है। माता जी बच्चे को लेकर पीछे बढ़ जाओ, इसको बच्चे को लेकर पीछे बढ़ जाओ। इसलिए उनको पता चला ये तो सरस्वती की बरपात्र साक्षात है। हाँ, ये क्या बोलता है जिसको समझ में नहीं आता, क्यों सरस्वती स्वयं बोलती है। अब सोचा इतना दिन का अपूर्ण गौरव जो नवद्वीप कैसा नष्ट हो जाएगा। उन लोगों ने एक सोचा कि जो निमाई है ना, जो छोटा बच्चा, कभी कभी हम लोगों को ऐसे ऐसे प्रश्न करता है जिसका उत्तर हम नहीं दे पाते, इसको साथ में भिड़ा देंगे। हाँ, इसको साथ में अगर किसी तरह से बच्चा अगर जीत गया ना, बोला अरे साधारण
ये बच्चा जब हरा दिया हम लोग तो बड़े बड़े हैं, अगर हार गया तो अरे छोटा कोई बच्चा तो हार गया, बात बात में उसको तलाई भेज देंगे। लेकिन जो महाप्रभु के साथ उसको शास्त्रार्थ हुई, महाप्रभु तो बात बात में उनको परास्त कर दिया, बात बात में हजार हजार लोग बैठे हुए थे, महाप्रभु ऐसे ऐसे बात पूछे, चुप उसको मुंह तो बंद हो गया, वो इतने लज्जित हो गया। बोले अगर किसी बड़े विद्वान से अगर परास्त हो जाता तो समझता भाई के विद्वान से परास्त हो गया, छोटा बच्चा जो व्याकरण केवल पढ़ता है बात बात में। तो उन्होंने बड़ा दुखी होकर के आए, सोचा लगता है माँ सरस्वती मेरे पर नाराज, देखो तो उन्हें सरस्वती मंत्र को जप करते करते सो गए, सख्यात माँ सरस्वती प्रकट हुआ। ये चीज का ध्यान देकर सुनो क्या सरस्वती कहती है, कहते बेटा मेरे दो तरह का कृपा है, जिसको मैं कृपा नहीं करता हूँ उसको जगत का की गधा बना देता हूँ। ये सरस्वती स्वयं कहते हैं, ये जगत का PhD MA डॉक्टर इंजीनियर बनकर करते हैं क्या बता पूछा, दिन से लेकर रात तक घर में नमक है कि नहीं, हल्दी है कि नहीं, जीरा है कि नहीं, घर में सब्जी है कि नहीं, दिन भर संसार में काम तीव्र गधे जैसे काम करते हैं, हैं सरस्वती स्वयं कहते हैं संसार का मैं गधा बना देती हूँ, संसार का बोझ को ढो ढो करके जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन कहते मैं जिसको पर सही सही कृपा करती हूँ, विद्या का जो वास्तव वस्तु जो भगवान गीता गीता में कहते ना विद्या रूप में कौन, बोले मैं स्वयं हूँ, इसलिए मैं जिसको पर सही कृपा करता हूँ उसको मैं अपना प्रभु भगवान कृष्ण के पास में पहुंचा देती। बेटा आज जिससे तुम्हारी साक्षात्कार हुई ना वो मेरे पति स्वयं है वो गौर नारायण है, आज मेरे पति से तुम्हारा साक्षात्कार होगी, तुम्हारी विद्या पढ़ना तुम्हारी सार्थकता होगी, बेटा जाओ उसकी चरण में शरणागत हो जाओ, होकर के उनसे भगवान का नाम को लेकर जप करो। सरस्वती के पर आदेश सुनकर सवेरे सवेरे गया महाप्रभु के पास में, चरण में गिर गया, कहते माँ सरस्वती स्वयं बताए आप स्वयं गौर नारायण हो। सरस्वती कहती है इसलिए तुम जीत लेता था तेरे जीवा पर मैं बैठ करके बोलती थी, लेकिन वो तो मेरे प्रभु मेरे पति है, पति को सामने पत्नी का भी सर उठा कर बोल नहीं सकता, तो जब तर्क वितर्क करने के लिए गया मेरे पति से मैं अंतर ध्यान हो गई और तू हार गया। तब महाप्रभु के पास में जब गए थे तो महाप्रभु क्या कहते, बोले विद्या बढ़े के ना, आप विद्या क्यों बढ़ रहे, बोले कृष्ण भक्ति जानी बारे भगवान को जानने के लिए विद्या पढ़ते हैं, इसलिए मरते समय क्या होता है भले तुम विद्या पढ़ो जो कुछ करो, मरते समय जब शरीर छूट जाता है चार व्यक्ति जब कंधे पर ले जाएंगे क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, कोई बोलता तेरा PhD सच्चा ना तुम्हारी इंजीनियरिंग सच्चा ना तुम्हारी डॉक्टरी सच्चा, वो कहेंगे राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है सत्य बोल गते है सब कोई बात झूठा है, जितने प्रभु का नाम लिया ना तेरे साथ में वही जा रहे हैं, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया है कि सुई धागा भी तेरे साथ में, पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजा तक जाएगी इसका आगे नहीं जाएगी, परिवार शमशान तक जाएंगे उसका आगे कुछ चलने वाले नहीं, आगे क्या चलेगा भाइयों जी मैंने राम रत्न भगवान स्वयं कह रहे, बोले बेटा विद्या इसलिए पढ़ते हैं कि ये देह छाड़िया चली ले, जब तुम्हारी ये शरीर छूट जाएगा विद्या व पौरुष संगे किच्छु नहीं चले, ये जितने डिग्री बिग्री तुम्हारी यही रह जाएगी, इसलिए बेटा केवल प्रभु का भक्ति जाने वाले कुछ जाने वाले नहीं, इसलिए इतक महान तो तुम्हें सर्व परिहरी, ये बंगला भाषा में कहते जो जिसका मोह अंत हो गया है वो क्या करता है सारे माया ममता को छोड़ करके भजन ईश्वर पद दृढ़ चित्त करी भगवान की भक्ति करते, बेटा सारे विद्या की जो सार्थकता भगवान की भक्ति। हनुमान जी को बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी के लिए क्या कहते हैं ज्ञानियों में अग्रगण्य, लेकिन करते हैं क्या दिन भर रघुपति राघव राजा राम कतील पावन सीताराम है, इसलिए जब उन्होंने ये विद्या दिया इसलिए उसी तरह अब जितने माता हैं आप लोग भी कोशिश करना, आप लोग कुछ कुछ लिखे पड़े हो हैं, कुछ कुछ लिखे पड़े मेरे को पता है अच्छी अच्छी कुछ लिखे पड़े आपने, आप लोग भी आना आकर के वो जो क्लास देंगे प्रभु जी अभी का बच्चे सब लिखे बड़े बच्चे हैं अभी भक्ति को धीरे 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 आप लोग बड़े बूढ़े हो इसलिए भक्ति का आदर करते हो, जो अभी जो यंग जनरेशन हो रही है ना भक्ति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, अरे जो बेकार बात भजन करना भक्ति करना, लेकिन ये कोशिश करेंगे आपको साइंस दे करके आपको समझाने के लिए अभी का जैसे बच्चे लिखे पड़े हैं, इसलिए आप लोग जो जो आ सके आना आ करके मन लगा करके सुनना और एक नोटबुक एक पेन लेकर के आना उसको लिखना, लिख करके क्या करोगे फिर कोशिश करना आपका जो अड़ोस से पड़ोस महापुरुष का यही चाहे
एक दिन ऐसा आए सारा दुनिया कृष्ण भक्ति रहस्य में झूम उठे। भगवान की यही इच्छा है, हैं? सब के सब भगवान की भजन करे, भक्ति करे। भागवत में कथा आती है, एक समय अकाल आ गया पृथ्वी पर, अकाल आ गया। जब अकाल राजा हुए, श्री पृथ्वी महाराज राजा हुए, उनको पास में आकर कह रहे, बोले महाराज हम जो बीज बोते हैं, पृथ्वी धन नहीं था, पेड़ नहीं होता है, बारिश ही नहीं हो रही है, अकाल पड़ गया। देखो ध्यान देखो सुना, अकाल जब पड़ गया दुनिया में, इनको पास में प्रजा लोग प्रार्थना की। इतने में पृथ्वी महाराज भगवत अवतार, उन्होंने धनुष लिया, बोले पृथ्वी अगर सस्य नहीं दोगे तुमको छिन्न भिन्न कर दूंगा। जब क्रोधित किए, माँ पृथ्वी स्वयं प्रकट हुई। देखो क्या कहती है माँ पृथ्वी, स्वयं कहती है, बोले देखो इसलिए मैं सब कुछ छुपा देती हूँ, ये मेरे सब बच्चे हैं। लेकिन उसको पहले एक राजा था जिसका नाम था बैन, वो महादुष्ट नास्तिक, वो खुद को खुद भगवान बोलता था, खुद को खुद बोले भगवान भगवान, भक्ति भक्ति कुछ नहीं, यज्ञ करता मेरा नाम उसमें आहुति मेरा नाम दो, भगवान की कोई पूजा सेवा नहीं कर सकते, करना तो मेरा कर। लेकिन नास्तिक राजा हुए, वो पृथ्वी स्वयं कहती है, इसलिए नास्तिक एक राजा हुए। पृथ्वी कहती है ये दुनिया को किसने प्रकट किया है, अभी हम सुन रहे हैं ना, ये पृथ्वी रसातल में चली गई थी, साक्षात भगवान वराह अवतार लेकर के पृथ्वी को उन्होंने उत्तीर्ण किया। उसी समय में पृथ्वी देवी भगवान को कह रहे हैं, बोले प्रभु आप मेरे को उद्धार किया है, मेरे को उद्धार किया है, मैं आप किसमें संतुष्ट होंगे, भगवान को बोले। इतने में पृथ्वी देवी स्वयं कहते, बोले प्रभु मैं इसी तभी संतुष्ट रहूंगी क्योंकि दुनिया को आपने बनाया, दुनिया आपका बना हुआ, हवा पानी अग्नि सब मालिक आप हो, तभी मैं संतुष्ट रहूंगा। अगर ये पृथ्वी लोक में कोई आपकी भक्ति भजन करेगा तो पृथ्वी कहते तभी मैं संतुष्ट रहूंगा, क्योंकि जिसने दुनिया बनाया उसका दुनिया है, हमने कोई चीज नहीं बनाया, दुनिया भगवान ने बनाया। इसलिए पृथ्वी स्वयं कहती है जब जीव भगवान की भक्ति करे, भगवान के नाम करे, भगवान की भजन करे, तभी मैं संतुष्ट रहती हूँ। पृथ्वी बोली इसलिए मैं कुछ नहीं दे रही थी, अगर आप बेड़ा उठाओगे, सब जीव को भक्ति कराओगे, भजन कराओगे, फिर मैं सब कुछ दूंगा। इसलिए फिर पृथ्वी से सब कुछ प्राप्त हुआ, सब कुछ प्राप्त हुआ। इसका मतलब है तब तक ये पृथ्वी में सब कुछ चीज मिलेगी जब हम भगवान की भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हैं? ठाकुर जी की भजन, जिसने सब कुछ दिया। इसलिए सूरदास जी कहते ना, जिन्हें तनु देही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल थलकामी। ये सूरदास का भजन, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया तुम उसको ही भूल कर बैठे गए, और जिसने कुछ दिया नहीं ना उसको पीछे दिन भर लगे हुए, उसको पीछे दिन भर। इसलिए ये हमारे प्रभु जी जो क्लास देंगे, यंग जनरेशन है कैसे जगाए, हैं? इसलिए क्लास देंगे, इसलिए आप लोग भी आना, और जितने लिखे पढ़े सब लड़कियां और जितने लड़के हैं सब अपना यार दोस्त को लेकर के आना, ठीक है? सुबह तुम भी लेकर के आना, और श्याम सुंदर भी एकदम, हाँ इसलिए आप भी लेकर के आना, और जितने टीचर है सब अपना स्टूडेंट को लेकर के आना, ठीक है? और यहाँ पर हम चाहते पूरा बढ़ोत क्या हो जाए, भगवान की भक्ति में डूब जाए, भगवान की प्रेम में पूरा बढ़ोत हैं डूब जाए, सब जय जय श्री राम। गौर सुजा तुम्हारे आजाद बलराम प्रभु जी, आप बोलेंगे इधर सामने आ आगे आ गया। हरे कृष्ण। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन् मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वांछाकल्पद्रुभ्य कृपा सद्भुव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौरभक्तवृंद। बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परमाराधितम श्री श्रीमद् भक्तिविलास श्री द्रव्य स्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिविलास श्री नारायण गोस्वामी महाराज उनकी शुभ आविर्भाव उनकी शुभ तिरुभाव की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिविलास श्री वामन गोस्वामी महाराज उनकी शुभ आविर्भाव की जय। उनके चरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद ये जो पीछे है ना कोई कोई एक दरी हो पीछे बिछा दो। सुमित प्रभु दरी बिछा दो, दरी है
ले आदर करने समस्त रूपानंद गुरुवर के चरणों में थोड़ी रंगत प्रणाम। यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। देखो समय भी बहुत हो चुका है, मैं बहुत महाराज की यद्यपि इनकी गुण महिमा अप्राकृत गुण इनका चरित्र है और उसको वर्णन करना बड़े विस्तृत समय भी चाहिए और योग्यता भी चाहिए और दोनों ही हमारे पास में अभाव है दोनों का, इसलिए कुछ कहकर आत्मकल्याण लाभ करने की चेष्टा करूंगा। महाराज से जब श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना करी थी, कहते उसके अंदर तीन मुख्य स्तंभ थे और उनमें से दो आज इनकी तिथि है, श्रील भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, इन तीनों की आज तिथि भी है। और श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, ये तीनों गौड़ीय वेदांत समिति के मुख्य स्तंभ थे, क्योंकि इसमें इन तीनों को बताया जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज वो क्या करते थे, दीक्षा देते थे, दीक्षा हरिनाम इत्यादि देते थे। जैसे ब्रह्मा जी का कार्य क्या होता है, सृष्टि करने का, जन्म देने का, उसी प्रकार वो शिष्य बनाते थे। और श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज उनको बताया गया है विष्णु, विष्णु जिस प्रकार पालन करता है उसी प्रकार श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज क्या करते थे, अपनी हरि कथा के माध्यम से उनका पालन करते थे। महाप्रभु ने जैसे बताया ना, श्रवण कीर्तन चले करह सिंचन, तो श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज अपनी हरि कथा से उनका पालन करते थे। और शंकर का काम बताया है धनघार करने का, श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की हरि कथा, इनका ऐसा वैशिष्ट्य था ये अपनी हरि कथा से जीव के हृदय में जो भोग वासना है, जो भोग करने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है, उसका खंडन कर देते थे। जिस प्रकार संघार शंकर जी करते हैं उसी प्रकार इनकी हरि कथा से ये उसको संघार करते थे। और जब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का अप्रकट हुआ, आपने देखा होगा जो लोग नवदीप गए हैं, हमारे श्रील भक्ति संबलपुरी महाराज एक बार बता रहे थे, जब हमारे जो माठे पालन गुरु जी ने जो मठ स्थापित किया है, भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज ने जो मठ स्थापित किया और श्रील गौड़ी वेदांत समिति जो दोनों जो मठ है देवानंद गौड़ी मठ, दोनों पास पास में ही है, तो श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के अप्रकट होने पर जब ये तीनों महापुरुष वहां पर गए तो परम गुरुदेव के आदेश से ही उन्होंने कहा कि क्योंकि श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज प्रभुपाद से आश्रित हैं, इनको हरिनाम हुआ है और ये आप तीनों में ज्येष्ठ है, इसलिए ये आचार्य का काम करेंगे। और वहां पर बता रहे थे महाराज एक बार कि उन्होंने कहा कि परम गुरुदेव कह रहे थे कि आप अब क्या हो रहे हो, गुरु भाई के गुरु होने जा रहे हो, बांग्ला में बोल रहे थे कि गुरु भाई के आप गुरु होने जा रहे हो, इसलिए मेरा एक ही अनुरोध है कि आप जो माथा ठंडा करके इस सेवा कार्य को करना। तो तब श्री नारायण महाराज और श्री भक्ति वामन गोस्वामी महाराज ने कह रहे थे कि आप अनुरोध क्यों कर रहे हैं, हम आप जो भी आदेश देंगे, आप जो भी आदेश देंगे उसको हम सर्वोपरि मान के उसका पालन करेंगे। सचमुच में इन तीनों महापुरुष ने श्री गौड़ीय वेदांत समिति को इतने सुष्ट रूप में कई वर्षों तक पालन किया, परवर्ती काल में फिर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने अलग समिति स्थापित करी। तो इन तीनों के बीच में इतना घनिष्ठ संबंध था, प्रेम था, जिस तरह से समिति का सुचारू रूप में संचालन हुआ उससे पता लगाया जा सकता है। एवं इनकी आज जो तिथि है, एक की आविर्भाव तिथि, एक की तिरोभाव तिथि और आज का दिन, उससे पता लगाया जा सकता है। श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज इन्होंने कभी शिष्य नहीं किए, तो इनके श्रील भक्ति वेदांत इनकी जब अप्रकट तिथि हुई, इनकी अप्रकट तिथि कौन पालन करेगा, इसीलिए क्या किया श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज ने उसी तिथि को अवलंबन करके अपना देह त्याग किया। इससे इनके जो घनिष्ठ संबंध था उसका पता लगाया जा सकता है। अभी हम श्रवण कर रहे थे कि इस प्रकार श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जो शुरू शुरू में आ गए थे, ये इनका श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज अपने गुरुदेव के साथ में इतना घनिष्ठ संबंध था। एक बार की एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ, उससे आप समझ पाएंगे। पहले जो प्रिंटिंग होती थी प्रेस में, प्रिंटिंग जो अभी जैसे फास्ट टाइपिंग सिस्टम और सब आ गया, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, पूरे हर एक अक्षर को अरेंज करके और उसके बाद में टाइप करना पड़ता था, तो टाइपराइटर बहुत हैवी टाइपराइटर्स भी थे। तो उसमें क्या होता था, श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज एक समय टाइपिंग ग्रंथ का कार्य देख रहे थे, वो टाइपिंग कर रहे थे रात के समय पर, तो वहां पर उनकी हाथ कैसे टाइपराइटर के अंदर, वो बड़ी बड़ी मशीन थी उसके अंदर आ गया। अभी हाथ आ गया तो इनका हाथ से हाथ कट गया, उंगली कट गई, रक्त बहने लगा। इसको देख कर श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उनके गुरुदेव इतने दुखी हो गए और स्वयं क्रंदन करने लगे। साधारण रूप में ऐसा देखा जाता है कि शिष्य गुरु के लिए क्रंदन करे, स्वाभाविक है ये। शिष्य यदि गुरु के लिए क्रंदन कर रहा है ये स्वाभाविक है, किंतु यदि गुरु शिष्य के लिए क्रंदन कर रहा है ये कोई साधारण बात नहीं है। इससे पता लगाया जा सकता है कितने उनके प्रिय थे
उन्होंने कितने प्रिय थे। इसी प्रकार श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज वो भी इनके बड़े प्रिय थे। श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज अपने गुरु के हर एक आदेश को इन्होंने सर्वोपरि जानकर अपने प्राण हाथ में देकर उनकी सेवा करी। आपने YouTube पे जो ऑडियो सेवा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है आपने सुना होगा, उसको जो फर्स्ट वीडियो आया था ना उसके अंदर उनकी आवाज, इनकी हरी कथा का ऐसा वैशिष्ट्य था। भजन राज में श्री रूप गोस्वामी पाद ने बताया ना, उत्साह निश्चा धैर्य तत्तर कर्म प्रवर्तना। भजन राज के अंदर किसी साधक के लिए उत्साह मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। इनकी हरी कथा का ऐसा वैशिष्ट्य था कि उत्साह भर देती थी। इन महाराज का कहना था, एक बार कोई वैष्णव बतला रहे थे, ये कहते थे कि हमको इतनी वृद्धावस्था में होकर भी इतना उत्साह है, तो जो लोग ब्रह्मचारी हैं जिनकी कम उम्र है उनको तो उड़ना चाहिए और निरंतर सेवा करते रहना चाहिए। ऐसा ही महापुरुष का वैशिष्ट था, ये अपनी हरिकथा के माध्यम से इतना उत्साह भर देते थे साधक के अंदर कि वो अपने और जैसे सेवा करी इन्होंने। सब लोगों ने आपने श्रवण किया होगा श्री अनंत भुवन ब्रह्मचारी जिनको टीबी हो गया था, उनकी सेवा करके इन्होंने अपने प्राणों की चिंता भी नहीं करी। उस समय पर टीबी संक्रामक रोग था, लाइलाज बीमारी थी, उसका इलाज भी नहीं था और अनंत मोहन ब्रह्मचारी की सेवा करते करते श्रील महाराज जी को टीबी भी हो गया, किंतु फिर भी इन्होंने अपने प्राणों की चिंता नहीं करते हुए गुरु आदेश का पालन किया और उनकी सेवा करी। इनकी हरि कथा, इनके अनेक अनेक वैशिष्ट है, किंतु आज इनकी तिथि पर हमारे लिए सबसे उपयोगी क्या है, हम इनसे सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार इनकी गुरु निष्ठा थी, इनके उपदेश अगर आप पढ़ोगे, पहला उपदेश क्या है, गुरु निष्ठा ही भक्ति का मेरुदंड है। मेरुदंड अर्थात बैकबोन। कोई व्यक्ति अगर खड़ा हो तो उसके लिए आपकी बैकबोन सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हम लोग भक्ति राज में बने रहे क्योंकि हम देखो राधा कृष्ण से हमारा संबंध नहीं है, श्रीमद महाप्रभु से हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध एकमात्र हमारे गुरुपाद पद्म से है। और इन महापुरुष का जो उपदेश है कि गुरु निष्ठा ही भक्ति का मेरुदंड है, अगर हम सिर्फ एकमात्र इसमें स्थापित हो जाएं, अगर इनकी जैसी गुरु निष्ठा थी उसका लेश मात्र एक बूंद मात्र भी अगर हमको मिल जाए तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इनकी तिथि पर आज हम यही प्रार्थना करते हैं इनके चरणों में कि हम पर कृपा करें और इनके समान गुरु निष्ठा दें। इनका जो भजन आदर्श था वो हमने किसी जीवन में हाँ देखो, ये जो महापुरुष दो महापुरुष है ना, दोनों गुरु भाई है, जो एक भक्ति वेदांत से बामन गोस्वामी महाराज, अनंत जीवों को उन्होंने उधार किया है, अनंत जीवों को तो उधार किया ही है, यहाँ तक भी उन्होंने प्रेत को उधार किया, भूत को उधार किया। जब इनकी कथा सुनो, जैसे उन्होंने प्रेत को उधार किया, वो एक समय रात में जा रहे थे, रात में जाते जाते हठात देखा एकदम जंगल को बीच में बैंड पेट बजा बज रही है और शादी के बड़ा माहौल है। उन्होंने सोचा यहाँ तो रोज जाता था, कोई शादी का कुछ नहीं होता था। इतने में दो व्यक्ति आए, पति पत्नी, बोले बाबा हमारी बेटी की शादी है, ये सब उनको पूजा सेवा शादी कैसे करवाना यज्ञ सब आता था बामन गोस्वामी महाराज को, बोले आप हमारे थोड़ा बेटा बेटी को थोड़ा मंत्र पढ़ करके आपका शादी करा दो। तो उन्होंने गए, देखा वहां पर शादी के माहौल बना हुआ है, नाच गान सब हो रहे हैं, तो उन्होंने मंत्र पढ़ करके शादी करवा दिया। बोले बाबा आप कहाँ तक जाओगे, बोले अमुक स्थान पर जाना। उन्होंने एक गाड़ी घोड़ा गाड़ी मंगवाया, उस समय घोड़ा गाड़ी होता था, और जो अब सिजनी का जो फल आम अनारस उस समय उस सिजनी का फल नहीं था, हाँ दूसरा सिजनी का फल एक टोकरी में भर करके बोले बाबा इसको ले जाओ और इसको ठाकुर जी को सेवा में लगाना। वो रास्ता करी करी अगर वो चल करके आते तो एक घंटे का रास्ता था, लेकिन वो जो घोड़ा गाड़ी में केवल 5 मिनट को अंदर वो स्थान में पहुंचा दिया। जब पहुंचा दिया उन्होंने जब गए थे जो वहां पर माता जी जहां पर, बोले तुम इतने रात में देश आ रहे, बोले मैं कल सारी बात सुना था। तो सवेरे हुई, बोले माता जी जो अमुक जो जंगल है वहां पर कोई मकान फकान, बोले नहीं कुछ मकान फकान कुछ है नहीं, बोले जब मैं आ रहा था वो शादी हो रही थी और मेरे को लेकर वहां पर गए, मैंने वहां शादी करवाया और देखो ये सारे इतने फल दिया, जो फल दिया वो सिजनी का फल नहीं था, अपसिजनी का फल है। फिर उन्होंने बताया बेटा कुछ दिन पहले वहां पर क्या हुआ, बरजात्री आ रहे थे, आते आते वहीं पर वज्र गिरा, हाँ बारिश का मौसम था, वहीं पर वज्र गिरते ही पूरा के पूरा जितने शादी के पार्टी सब के सब वहां खत्म हो गए थे और बेटा बेटी की शादी के लिए आ रहे थे लेकिन शादी उनकी हो नहीं पाई, इसलिए वो मरे, इसलिए वहां पर रात को जंगल में कोई नहीं जाते, अब सब प्रेत बन करके बैठे हुए। अरे बेटा बेटी की शादी नहीं हो पाई, ऐसे ही बजरा
वज्रपात हुआ तो सबके सब वज्र गिर सब मर गए हैं, इसलिए तुमको लेकर के उन्होंने उन्होंने बच्चों को शादी करवाया, क्योंकि एक संत थे, संत जब शादी कराते हैं ना उनको उद्धार हो जाता है, इसलिए उन्होंने ऐसे प्रेत प्रतिनिधि भूत को उन्होंने शादी करवाया। और एक समय वृंदावन में घटना थी, कोई एक ब्रह्मचारी था जो बाहर रहता था, मंदिर से बाहर अकेला रहता था, एकदम ठीक दोपहर में जो केसी घाट आपको पता होगा वृंदावन में जहाँ पर मुर्दा को जलाते हैं आपको पता होगा पास में, एकदम दोपहर में वहीं पर स्नान करने के लिए तो हटे कटे एकदम 26 साल उम्र के मोटे छोटे सब ब्रह्मचारी था, वो बाहर रहता था। जब वहां पर डुबकी लगाई ना, पहला जब डुबकी लगाई उसको ऐसे लगा जैसे उसका सर पर कोई थोड़ा बोझ, वैसे उठा बोले मेरे सर पर बोझ तो हट्टे कटे थे। फिर जब दूसरा बार डुबकी लगाई फिर और थोड़ा ज्यादा उसको किसी ने दबा, फिर वो खड़ा हुआ, ये क्या ऐसे क्यों हो रहा है। जब तीसरी बार डुबकी लगाई ना उसको लगा जैसे कोई बड़ा पत्थर उसके सर पर लग दिया, वो किसी तरह से पानी से उठ नहीं पा रहा है, किसी तरह से वहां से कष्ट में उठे और कपड़ा क्या वहां पर निचोड़ गए, वो भागे वहां से और साइकिल था बैठ करके, वो जहां पर एक घर गोपीनाथ बाजार है वृंदावन में वो अकेला रहता था वहां पर है। जब वहां पर आए ना वह एक प्रेत, वहां पर एक प्रेत थे, और जो प्रेत थी वो थी ब्राह्मण घर की कोई लड़की थी, वो लड़की ने वो किसी लड़के को प्रेम करता थी करती थी वो लड़की, लेकिन वो लड़का ने क्या किया इसके साथ धोखेबाजी करके, धोखेबाजी ये लड़की के साथ में की करके प्रेम करते हुए और किसी लड़की को लड़का ने प्रेम कर दिया। ये लड़की इतने दुखी हुई, वृंदावन में घूमने के लिए आई थी, ब्राह्मण घर के थी और घूमने के लिए आई थी, तो उसने आत्महत्या की, यमुना में आत्महत्या की, वो आत्महत्या करने का नाते वही पर प्रेत बनकर थी वही पर, और इसकी शरीर में सवार होकर के आ गई। जब उसने घर में आए है? जब उसने घर में आए आने से पहले अरे वो जब उसने घर में आए ना देखा एक सुंदरी लड़की, इसी जगत में इतनी सुंदर लड़की नहीं होती है, अपूर्व किशोरी, घर में बाहर ताला लगा हुआ, जब ताला खोल करके आई देखा वहां पर एक सुंदर लड़की बैठी हुई, वो तो देख करके बोले इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आ गई, बोले तुम कहाँ से आई, और रो रहे थे, बोले क्यों रो रहे हो, रोना नहीं, देखते देखते गायब होगी। फिर जब उसके शरीर में बुखार आ गया ब्रह्मचारी के शरीर में, जब फिर जा करके सो गया फिर देखा उसको सर के पास में फिर वो लड़की बैठी, फिर वो लड़की सारी बात कहती है मैं ऐसे ऐसे हुई ऐसे ऐसे हुई, मैं अभी प्रेत बन गई हूँ, मैं तेरे को प्रेम करती हूँ, मैं रोज आया करूँ लेकिन किसको बोलना नहीं है, और बोलोगे ना तेरे को जान से मैं मारूं, इतने इतने घटना पूरा फीलिंग बन जाएगी। उसने सारी बात कभी उसको पीठ पर बैठा करके कभी वो भूत लोक में ले गई घुमाया पूरा पूरा, बहुत कभी कभी पैसा ला करके वो ब्रह्मचारी को सर पर रख देता था पैसा ला करके, रात में आकर सोती थी, ऐसे अद्भुत घटना। बाद में उसको जब परेशान करने लग गई फिर उन्होंने पूछे हमारे मंदिर में हमारे जो परमेश्वरी प्रभु, बोले उसको पूछना क्या तुम ऐसे प्रेत जो नहीं रहना चाहती हो, तेरी क्या मुक्ति नहीं चाहती हो, अगर तुम बताओ हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे कैसे हम तुमको मुक्ति मिलेगी। देखो प्रेत क्या कहते हैं, बोले एक काम कर सकते हो मेरे लिए, बोले तुम्हारी जो गुरु जी जो बामन महाराज बैठे ना बामन गोस्वामी महाराज उस तरफ में जो बैठे, बोले अपना गुरु जी की चरणामृत दे दो, संतों की चरणामृत से ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन उस समय गुरुदेव थे बंगाल में, ये वृंदावन की घटना, वो वृंदावन जो सिलीगुड़ी में थे, बोले गुरुदेव तो दूर में है, फिर वो प्रेत कह रहे हैं भले तुम्हारे मंदिर में एक बाबा जी महाराज है, वो बहुत साल पहले जब वो गुरु जी आए थे उन्होंने उसकी चरणामृत को उन्होंने चरण धोकर चरणामृत को एक बोतल में रखे हुए, वो खाट को नीचे जाकर सारी बात बता दी, खाट को नीचे जाकर के देखना वो चरणामृत भी है। ठीक शाम का समय में वो चरणामृत जहाँ पर मैंने तुमको पकड़ा था वहीं पर रख करके चला जाना, लेकिन लौट करके देखना नहीं, फिर नहीं तो मैं आ जाऊंगा। फिर उन्होंने हमारे जो परमेश्वर प्रभु उनको लेकर के फिर ठीक शाम का समय पर वहां पर गए, चरणामृत रख करके जब गए इतने फिर रात में दोबारा आए, बोले देखो मेरे अपराध क्षमा करना, अगली बार फिर मैं इंसान का जन्म लेकर जन्म लूंगी है, इसलिए मैं कल से नहीं आऊंगी, कल से तुम्हारी गुरु जी की चरणामृत पान करके मेरी उद्धार हो जाएगी। मतलब उन्होंने ये कितने प्रेत को इंसान को इतने उद्धार किया ही है, लेकिन ये महापुरुष कितने प्रेत को भी एक बार नहीं किया जीवन में, बहुत बार ऐसे हुई, क्योंकि ये एक शुद्ध भक्त थे भगवान की, एक शुद्ध भक्त थे, कितने प्रेत को भी उन्होंने इंसान के सिवाय प्रेत को ये महापुरुष ने उद्धार किया। इसलिए
ये हमारे गुरु जी के गुरु भाई है, हैं गुरु जी के गुरु भाई, ये हम सबको परम कृपा करे। और इनका जो भजन निष्ठा आप सोच नहीं सकते, जब तक एक लाख हरिनाम नहीं करते थे तब तक ये महापुरुष कुछ भजन नहीं करते थे, एक लाख हरिनाम करके तब ये महापुरुष भजन करते थे। ये दोनों महापुरुष जो देख रहे हो, एक लाख अगर कोई सोलह माला करते है ना, देखना सवेरे से लेकर शाम तक हो जाता है, सोलह माला खत्म नहीं कर पाते, पूरी नहीं कर पाते, और दिन में केवल प्रसाद पाने से सवेरे नाश्ता से पहले एक लाख, फिर दिन भर और एक लाख, दो दो लाख ये महापुरुष दो दो लाख हरिनाम करते थे दोनों गुरु भाई। इसलिए जगत में इनकी इतना प्रसिद्ध है, और इतने प्रेतों को भी उन्होंने उद्धार, इनको भी उन्होंने मुक्ति दिलाया। इसलिए आप लोगों भी कोशिश करना जितने ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करने, ठीक है ना, क्योंकि अंतिम समय में भगवान का नाम ही साथ में जाएगा। इनकी जो हम जन्म उत्सव मना रहे हैं, तभी इनकी जन्म उत्सव मनाने में तभी सार्थकता है। गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव जब हमें माला दिया, गुरु जी माला हमें नहीं दिया, गुरु जी स्वयं हमें ठाकुर को दिया, कृष्ण को दिया, हैं गुरु जी ठाकुर को दिया। गुरु जी कहते थे अगर एक दिन ये माला नहीं करोगे तो ठाकुर आज सारा दिन भूखे रह गए, ठाकुर को स्नान नहीं कराया, ठाकुर जी को भोजन नहीं कराया, ठाकुर जी कपड़ा नहीं बदला, इसलिए खुद भूखे रह जाओ। लेकिन गुरुदेव कहते थे माला कोई भूखे नहीं रखना, माला नहीं किया मतलब ठाकुर जी आज सारा दिन भूखे रह गए, ठीक है। इसलिए रोज क्या करना, जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं करना है, पहले भजन उसके बाद में फिर भोजन करना, ठीक है। और गुरुदेव विशेष करके हमें तीन चीज देते हैं, गले में तुलसी की कंठी दिए, तिलक दिए, और भगवान का नाम गुरुदेव ने दिए है, गुरुदेव ने दिए। इसलिए ये तीन चीज को तो पक्की रखो। गले से मैं कभी कभी किसको हरिनाम दिया, जब कुछ दिन बाद में आकर देखता हूँ गले में कंठी नहीं, बोले भैया तुम्हारी गले में कंठी कहाँ, बोले उतर गई, बोले सोने की चैन तो उतर गई, कंठी उतर गई, लेकिन अंतिम समय में सोने की चैन तुम्हारी काम में आने वाले नहीं है। इसलिए एक समय क्या हुआ, एक माता जी रो रही थी, अभी पति शरीर छोड़ गया, पत्नी रो रही थी, इधर तो बड़े जोर से रो रही थी और इधर चुपकी से कह रही थी उसकी बहू को, नजर रखना गले में सोने की चैन उतार के रखना। इसलिए सारी चीजें उतार के रख देंगे, लेकिन अंतिम समय में क्या जाएगा, ये तुलसी कंठी साथ में जाएगी, इसको कोई नहीं उतारेंगे। और जब महाराज स्वयं कहते हैं भागवत में, जिसके गले में तुलसी कंठी नहीं उसको ही पकड़ करके मेरे पास में ले आना, जब की आदेश है, ललाटे तिलकम, जिसकी ललाट में तिलक नहीं होगा, जो भगवान के नाम नहीं जप करता है, उनको ही पकड़ पकड़ कर मेरे पास में लाना। इसलिए तीन चीज को पक्की रखना, गले में गुरुदेव कहते थे गले से अगर किसी कारण से गले से कंठी उतर जाती है, गुरु जी का पानी है, जब तक दो बार गले में कंठी नहीं पड़ेगा तब तक भोजन नहीं करना, पानी नहीं पीना, क्योंकि हम जो कुछ खाते हैं अगर गले में कंठी हो उसका टच करते हुए अंदर में जाता है, मतलब वो पवित्र होकर के जाती है। जब कोई वाणी बोलते हैं गले में तुलसी कंठी, उसको टच करते हुए बोली निकलता है, इसलिए बोली पवित्र बन करके निकलती है, है? इसलिए अभी कोरोना में कितने लोग मर गए, पता नहीं कब हम मर जाएंगे, इसलिए गले में कंठी रहेगा तो सीधा भगवान के पास में, ठाकुर के पास में जाओगे, कंठी कभी नहीं उतरनी चाहिए, ये जम का आदेश है, हैं जम महाराज का आदेश। और तिलक हर समय ललाट में तिलक रहनी चाहिए, और भगवान की माला तो जरूर जप करनी चाहिए। और जो भाई लोग है हम लोग कोशिश करना चोटी रखने के लिए, देखो आज जो वहाँ कथा हो रही थी ना, एक कथा वहां सुना दो, ध्यान दे, ये एक हमारे प्रभु जी थे, ऋषि प्रभु थे, उनकी कथा सुनो। पर ये जब उन्होंने गुरु जी से दीक्षा मंत्र ली, दीक्षा मंत्र के बाद में जो पुरुष लोग चोटी रखते हैं, पहले तो हर हिंदू चोटी रखते थे, हैं अभी धीरे धीरे विदेशी हवा आकर के सब चोटी को काटते जा रहे, चोटी जने सब धारण करते थे। जब उन्होंने गुरु जी से दीक्षा ली, उन्होंने चोटी रखी, जब चोटी रखी अभी उन्होंने शादी हुई, शादी करे नई नई शादी, घर में भोगू आए और वो जो चोटी दे करके ना, वो तो बड़ा चिंता में बाबा बन गया, ये चोटी कैसे रख लिया, वो तो बड़ी चिंता में पड़ी गई, इतने चिंता में पड़ी गई, इतने बीमारी पड़ी गई उसकी पत्नी, लास्ट में उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया पत्नी को। जब हॉस्पिटल में चेकिंग हुआ, देखा सब नॉर्मल है, पूछे भैया ना तो सब नॉर्मल है कैसे, तो उसको पति ने पूछा भैया क्या हो गया तुम्हारी, क्यों तुम दुखी हो, इतने बीमारी, बोले मैं तभी सही होंगी जब तुम छोटी काट लोगे, क्यों नई नई शादी करेंगे ना, उसने क्या किया छोटी रख दी, क्योंकि बाबा बन गए छोटी रख दी, हाँ जब छोटी काटोगे तब फिर मैं बीमारी सही होगी,
तो उन्होंने पत्नी के लिए उन्होंने छोटी कटवा दी। जब उन्होंने छोटी कटवा दी है कुछ दिन बाद में फिर ये बीमारी में पड़ गया। ऐसे बीमारी में पड़ा उसने, उसका पति ऐसे बीमारी में, लास्ट में उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। जब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ देख रहे धीरे 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 उसका अवस्था खराब होती जा रही, उसका और सही नहीं हो रही, धीरे धीरे अवस्था खराब, माने मृत्यु का मृत्यु मुख में पड़ने वाला, मरने वाला। एक दिन उसने रात में सोया, गुरु जी को बुला कर, गुरु जी मेरे को बुखार हो गया, शरीर सही नहीं हो, लगता है मैं मर जाऊंगा। उसने रात को गुरु जी को स्मरण करते करते सोया। इतने में वो रात में स्वप्न देखता है ये पृथ्वी दो टुकड़े को फट गई, फट करके ये नीचे से जा रहे हैं पूरा का पूरा। इतने में उसने गुरु जी को बुलाया, गुरुदेव रक्षा करो, गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव। इतने में गुरुदेव आ गए, हमारे जो नारायण गोस्वामी वहां साक्षात प्रकट हुए। आज उन्होंने बहुत भक्त लोगों ने बहुत बता कौन सा भक्त हो, कैसे कैसे विपत्ति आई, और गुरुदेव को बुलाया था, गुरुदेव साक्षात कैसे प्रकट होकर उनको उद्धार किया। जब गुरुदेव को उसने स्मरण किया, गुरुदेव साक्षात प्रकट हो गए। जब नीचे जा रहा था इतने में गुरुदेव उसको पकड़ करके खींचना चाह रहा था, और गुरुदेव ऐसे ऐसे कर रहे हैं, गुरुदेव अरे गुरुदेव कह रहे हैं भैया तेरे को जो मैं उधार करना था छोटी है कहा, छोटी पकड़, क्यों छोटी पकड़ते, उसको पकड़ करके तो मैं निकालूंगा ना उधार करूंगा संसार से, हैं तेरी छोटी कहां तेरे को निकालूंगा कैसे, तेरी छोटी है ही नहीं, मैं निकालूंगा कैसे। ऐसे करते करते हठात उसकी आंख खुल गई। जब आंख खुल गई तो उसने पत्नी को बोला देख मैंने छोटी कटवा दिया इसलिए मेरे को ये बीमारी पड़ा, और मैं रात स्वप्न देखा पाताल फट गया, मैं नीचे जा रहा था, और गुरु जी मेरे को पकड़ उधार करने के लिए आए और मेरे सर पर हाथ घुमा रहे हैं, बोले तेरे को जो निकालूंगा चोटी पकड़ करते निकालूगा, लेकिन तेरा चोटी है नहीं, बोले भैया तू घर में जाना तो तू जा, मैं तो चोटी जरूर रखूंगी। दुकान में गया, बोले मेरे चोटी रखवा दो, बोले तू दो बार ऑलरेडी कटवा चुका है, अभी सोच करके बताओ, बोले भले ही गला सर कट जाए लेकिन चोटी नहीं कटवाऊंगा। इसलिए जो चोटी की हिंदुओं को चोटी जरूर रखनी चाहिए। देखो जो जो केस है ना ये काला रंग क्यों है, तो ये जो स्थान है ये स्थान ब्रह्म ज्ञान का स्थान यहाँ पर है। जैसे हम लोग जब धूप में जाते हैं काला छतरी व्यवहार करते हैं ना, क्यों, काला छतरी के ऊपर में ये सूर्य का किरण अफेक्ट नहीं करता, उसको पर प्रभाव नहीं डाल सकता। इसलिए भगवान हमारे केस का रंग कैसे बनाए काले, क्यों, ये सूर्य का जो किरण है उसको घर में कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। इसलिए इस स्थान पर जो जो चोटी रखते हैं ये स्थान में सारे ब्रह्म ज्ञान का निवास यहीं पर है, इसलिए चोटी रखने का ये नियम। इसलिए आप लोग पुरुष भाई लोग कोशिश करना सबके सब चोटी रखने के लिए, गुरुदेव चोटी पकड़ कर दी आपको संसार से, और माता को तो कोई चिंता की बात नहीं, बड़े बड़े चोटी आप लोग गुरुदेव का आप लोग ऐसे ही निकाल ले, ठीक है राम प्रभु। हाँ बोलो बोलो कोई बात नहीं, आज सबके लिए प्रसाद है ना, चिंता मत करो सभी प्रसाद बांट दिया है, बोलो सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य पाद पर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी के श्री चरणों में यथायोग्य प्रणाम स्वीकार। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आज हम दो महापुरुषों की तिथि को मना रहे हैं। एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं कि श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज थे या श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम उनके नाम से पहले लिखते हैं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर नारायण गोस्वामी महाराज, तो नित्य लीला में कौन प्रविष्ट हो सकता है, नित्य लीला में वही प्रविष्ट हो सकता है जो नित्य है, अर्थात जो पहले था आज है और हमेशा रहेगा। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि भक्ति विदान नारायण गोस्वामी महाराज या भक्ति विदान गोस्वामी महाराज थे नहीं,
हैं वो आज भी हैं, उनकी शिक्षाएं आज भी हैं। और मेरा जो जुड़ने का जो कारण है, एक तरीके से इन दोनों महापुरुषों की तिथि ही है कि एक दिन क्या हुआ, जब पहली बार बड़ौद में कथा हुई थी तो मुझे हमारे प्रेम किशन दास जी ने बहुत बार आग्रह किया कि कथा में आया करो, तब मैं कथा में नहीं आया। बार बार इन्होंने मुझे कहा कि कथा में आया करो, लेकिन मैं नहीं गया। कारण यही था कि मैं सोचता था कि सबके सब संत एक जैसे ही होते, सब जगह केवल पैसे की ही बात होती है, इसलिए मैं नहीं गया। फिर भी जिस दिन कथा में कहिए कि गिरिराज महोत्सव था, तो उन्होंने सुबह फिर कहा कि आज शाम को जरूर आना। मैं समझ गया कि इन्हें चावल का कट्टा चाहिए। तो मैंने शाम को, मैं तो गया नहीं, लेकिन चावल का कट्टा भिजवा दिया। मैं फिर भी नहीं गया। लेकिन जब कथा पूरी हो गई, तो कथा पूरी होने के बाद हमारे प्रेम किशन प्रभु जी और सिंगल साहब दोनों ऑफिस में आए और बोले कि कथा पूरी हो गई है, तुम्हारे नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अब हम एक बस वृंदावन लेना जाना चाहते हैं, तुम चलोगे? वृंदावन का नाम सुनते ही मैंने कहा मेरी 4 सीटें बुक कर लो, हम पूरा परिवार चलेंगे। तो हम वहां गए और जाके जैसे ही गुरु जी के मठ में वहां पे कदम रखा, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। और वहीं से ही उसी दिन शाम को मैं अपने घर में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के विग्रह वहां से लेके आया। और ये मेरा सौभाग्य है कि सबसे पहले गुरुदेव ने जो प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा की थी, वो हमारे राधा कृष्ण भगवान की थी। और जैसे ही हम वृंदावन से वापस आए, तो ठीक 2 दिन बाद ही गुरुदेव का फोन आया कि अभी मंदिर मठ में भक्ति विधानचल नारायण गोस्वामी महाराज और भक्ति विधानचल बामन गोस्वामी महाराज की तिथि है, और आप 2-3-4 जो लोग जितने भी आ सको आ जाना। तो प्रेम प्रभु जी ने मुझको बोला कि तुम चलोगे? तो मैं तो सोच रहा था, मेरे तो पंख लग गए जैसे ही उन्होंने कहा कि एक बार फिर दोबारा चलने का मौका आया। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलूंगा। मैंने घर में भी कोई विचार विमर्श नहीं किया, और हमारे एक पार्टी थी उसकी गाड़ी में हम गए, 5 जने गए। तो हम वहाँ 2 बजे पहुंचे थे, तो 2 बजे पहुंचते ही गुरुदेव ने हमें वहां पे केक का भोग लगा था, और सबसे पहले हमें महाप्रसाद के रूप में केक का भोग प्रसाद खिलाया। और वो प्रसाद खा के मेरी आस्था ऐसी जुड़ी कि अभी कह रहे थे ना गुरुदेव कि जिसने जरा सा प्रसाद भी पा लिया उसका हृदय परिवर्तन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और जिसने यहाँ बैठे हैं, अब कहते हैं ना कि अगर आपने कुछ कथा ना भी बोली, अगर प्रसाद भी पा लिया यहाँ बैठ के, तो समझो आपका जीवन का उद्धार हो गया। और प्रसाद, ये प्रसाद नहीं, हमारे गुरुदेव तो ये कहते हैं प्रसाद नहीं, ये एटम बम का गोला है। ये अंदर जाके आपके जितने भी कलमस है उन्हें खत्म करने के बाद भक्ति का संचार कर देता है। हटाई वो, हाँ वो तो भक्ति का संचार कर देता है। तो इसलिए प्रसाद को कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, और प्रसाद को छोड़ के भी नहीं जाना चाहिए, हमेशा प्रसाद को जरूर पा के जाना चाहिए। और वैसे तो कहना है कि इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं कि इनके विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने तो उनका दर्शन नहीं किया था, लेकिन कहते हैं कि भगवान और गुरु में कोई भेद नहीं। अभी सबसे एक बार हम नवदीप धाम चले गए, ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुई है। एक बार हम नवदीप धाम में गए, तो नवदीप धाम में हम रास्ता भूल गए, देवनंद जी गोड़िया मटका, हम वो नाम भी भूल गए। तो हम वहां रिक्शा वाले को बोल रहे हैं, भाई हमें वहां जाना है मठ में। कहेंगे कौन से मठ में भाई, मगा उसमें पहले दे आवे। कहने लगे भाई ऐसा तो हमने कोई जानते नहीं, पर उन्हें बता नारायण महाराज जी वाले मठ में जाना क्या। लगा भाई हाँ वही जाना है। तो यानी कि कोई वहां देवानंद जी के नाम से नहीं जानते, सब नारायण महाराज जी के मठ से नाम से जानते हैं। यानी कि जी अब आप सोच सकते हो कि जिनकी श्रद्धा लोगों के प्रति मठ के नाम से नहीं उनके नाम से है, तो यानी कि भगवान में और गुरु में इसका मतलब कोई भेद नहीं।
अब इतनी आस्था लोगों की उनकी बढ़ती है, सभी तो है ना, जब वो नित्य हैं, तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वो आज के दिन हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करें कि जो भी हमारे अंदर छल कपट है, मोह है, उन्हें सबको दूर करके हमारे अंदर भक्ति भावना को संचारित करें और उसे बनाए रखें। इसी वाणी के साथ हमने सामने हमारे बीच में एक माता जी जो गुरु जी का शिष्य है, सिंगापुर दीदी थोड़ी सी गुरु जी चरण में प्रसाद घुमा के श्री कृष्ण लीला कटने सुदक्ष उदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरम वरणीयम पुरुषम महांतम नारणम त्वम शिष्याम नमामि। नमो विष्णु पदाय गौर प्रतिष्ठाय भूतले शिष्य भक्ति वेदांत श्रीधर इति नाम्ने। मैं सर्वप्रथम यहाँ पर अपने उपस्थित श्री गुरु पाद पद्म ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मेरे गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और उपस्थित यहाँ पर सभी वैष्णव और वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। जैसे सभी लोग गुणगान कर रहे हैं श्री गुरुदेव का, हमारा बहुत बहुत अहो सौभाग्य है। कहते हैं जब हम किसी वैष्णव लोगों के चरित्रों का गान सुनते हैं तो उन पर विशेष कृपा राधा कृष्ण की होती है। तो हमारे ये गौड़ीय संप्रदाय में जितने भी हमारे आचार्य वर्ग हुए हैं, इनका हम जब चरित्र गुणगान जब हम इनका सुनते हैं तो निश्चित रूप से गारंटी देते हैं श्री प्रभुपाद के वो 100% वैष्णव और वैष्णवी बनेगा। तो हमारे जीवन में किस प्रकार से श्री गुरुदेव की कृपा हुई और श्री गुरुदेव की कृपा से कैसे बड़ौत के ऊपर कृपा हुई वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। हम लोग तो सोए हुए थे, मतलब उठे नहीं थे, जगत में आए, सोए और उठे, इसको क्या बोलते हैं। जैसे कि जैसे एक व्यक्ति छत पर सोया हुआ है, बारिश आई, अचानक से उठे और चल दिए और पैर फिसला तो धड़ाम से नीचे गिरे, तो इसको कोई उठे, उठ तो गए हैं लेकिन क्या जागे हुए थोड़े हैं। तो इसी प्रकार से हम जगत में उठे हुए तो थे लेकिन हम जागे हुए नहीं थे। जगाया किसने? हमारे गुरुदेव ने। तो हमारे गुरुदेव कौन साधारण नहीं, श्री रमण मंजरी के अवतार श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी। उनकी कृपा से उनके जैसे गुरुदेव को प्राप्त करना किसी जीव के लिए, कोई सुकृतिवान जो जीव होता है उसी के लिए ही पॉसिबल है कि ऐसे गुरुदेव उनको प्राप्त हो। और ऐसे ही हमारे उनकी कृपा से हमें श्री भक्ति वरदान श्री श्रीधर महाराज जी का सभी सुकृतिवान जीवात्माएं हैं जो यहाँ पर हमारे इतनी सर्वश्रेष्ठ गुरु परंपरा से जुड़कर अपने इनके हमारे गुरु वर्गों के अनुगत में भजन साधन कर रहे हैं। 2006 की बात है, जब हम इस्कॉन में जाते थे तो वहां पर श्री स्वामी महाराज जी की समाधि पर हम जाते थे और मेरे जो प्रभु जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, ये वहां पे जाके प्रार्थना करते थे कि ये कई जगह हम 4 साल से जुड़े हुए थे इस्कॉन में और ये बहुत इनसे गुरुदेव की तलाश में थे, कोई हमें शुद्ध गुरुदेव मिले। तो वहां पर जब हम इस्कॉन में बुक्स पढ़ते थे महाराज जी की, स्वामी महाराज जी की, तो अनुभूति होती थी कि कितने अच्छे सर्वश्रेष्ठ संत थे, हमें भी इनके जैसे संत मिले गुरुदेव के रूप में। तो ये प्रार्थना करते थे, हे गुरुदेव हमें कोई आप जैसे आप थे ना, आपके जैसे ही गुरुदेव हमको प्राप्त हो, अगर वो पृथ्वी पर हो तो हमें कृपा करके वो प्राप्त हो जाए। तो ऐसे ही करते करते एक दिन हमें श्री रमण बिहारी गौड़िया मठ में एक पत्रिका निकलती है, श्री भागवत पत्रिका जो हमारी गौड़िया मठ की निकलती है, वो प्राप्त हुई और उसके बाद फिर हमें गुरुदेव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जैसे चारों नियमों का पालन ये सब लोग कर ही रहे थे, मेरी सास माता और ये,
और मैं भी करती थी, लेकिन इतना मैं उस टाइम नहीं करती थी, इतनी मैं सिंसियर नहीं थी उस टाइम भक्ति में। बस हाँ, चार माला पांच माला ये कर लेती थी, पर हाँ नियमों का थोड़ा पालन मैं कर रही थी। तो मेरी भी श्रद्धा थी गुरुदेव अच्छे होने चाहिए, जो मिले गौड़ी संप्रदाय में ही मिले। इनकी इच्छा होती थी कि गौड़ी मठ कहाँ है और हमें गौड़ी मठ से ही हम दीक्षा प्राप्त करें, क्योंकि वहां पे सारे फॉरनर महाराज थे और ये इनकी इच्छा थी कि हम फॉरनर महाराज से दीक्षा ना ले, हम कोई हिंदी भाषी की कोई भारतीय महाराज हो उन्हीं से हम दीक्षा प्राप्त करें। तो वहां पर इनकी तो दीक्षा हो गई गुरु पूर्णिमा के दिन, ब्राह्मण दीक्षा डायरेक्ट हो गई गुरुदेव की कृपा से और मेरी सास माता जी की भी। तो उसके बाद ये मुझे हरिनाम दिलवाने के लिए श्री जनकपुरी मठ में गए। तो जब मैंने श्री गुरुदेव का प्रथम बार दर्शन किया 2006 में, तो जैसे मैंने उनका दर्शन किया तो बड़े ध्यान से वो मेरे को देखा उन्होंने, और बिना पलक झपके उन्होंने मेरी तरफ देखा और इन्होंने जाके एकदम से गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करी कि गुरुदेव मैं बहुत दिनों से इस्कॉन के प्रोग्राम करवाता आया हूँ बड़ौद में, मेरी इच्छा है कि आप वहां पर एक बार जरूर आए। तो गुरुदेव ने बोला कि ठीक है, हाँ अभी मेरा विदेश में जाने का थोड़ा सा प्रोग्राम है, अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा और मेरे पास समय आया तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन अगर नहीं आ पाया तो मैं किसी विशेष अपने प्रिय व्यक्ति को वहां पर भेजूंगा। तो वो विशेष प्रिय व्यक्ति कौन है, वे हमारे उपस्थित हैं श्री गुरुदेव। तो ऐसे करके उनकी कृपा से यहाँ पे जो ये अभी मठ की स्थापना ही हुई है, ये जैसे भी जो भक्ति का प्रचार इस समय हो रहा है, और उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है तुम पर कृपा हो चुकी है। तो फिर ये रोने लगे, इनके चरणों में गिड़गिड़ाए, लगे नहीं गुरुदेव आपको जरूर आना है। तो कह रहे ठीक है मैं समझ गया तुम पर कृपा हो चुकी है, तुम पर कृपा हो चुकी है। यही शब्द उन्होंने तीन बार बोला। जब कोई महत पुरुष एक शब्द को तीन बार बोलता है तो वो प्रमाणित हो जाता है, और उनका आशीर्वाद और चाहे कोई श्राप हो जब महापुरुषों के मुख से निकलता है वो पूर्ण रूप से सत्य हो जाता है। वही सत्य आज देखिए आप बड़ौद में किस प्रकार से श्री गौड़िया मठ का प्रचार है, उनके भी आशीर्वाद से उन्होंने ही अपने विशेष परिकर को यहाँ पे भेजा है प्रचार करने के लिए। तो जब ऐसे करते करते हम साधन भजन करते थे, श्री गुरुदेव का संग करते थे, बीच बीच में मैं भी गुरुदेव का दर्शन करने जाती थी, नवदीप धाम परिक्रमा होती थी वहां भी जाती थी, ब्रजमंडल परिक्रमा होती थी वहां भी जाती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी मैं गुरुदेव से कुछ पूछूं या मैं उनसे बात करूं, क्योंकि मुझे पता था कि ये अंतर्यामी, मैंने सुना हुआ था उनकी बहुत सारी हरी कथाएं कि ये अंतर्यामी है और क्या दूसरे के अंदर दोष है एकदम उनको सब पता रहता है, तो मैं ऐसे थोड़ा डरती थी उनसे। लेकिन जब मैं उनकी हरी कथाएं सुनती थी तो उसमें एक विशेष उनका अवदान था कि राधा रानी की हमें राधा दास से भाव कैसे प्राप्त हो, उनकी कथाओं से हमें ये शिक्षा प्राप्त हुई कि हमें कृष्ण को कैसे भजना है, कृष्ण की भक्ति हमें कैसे करनी है। कैसे वो बताते थे, उन्होंने हमें संबंध ज्ञान दिया कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है, लेकिन कैसे राधा रानी के अनुगत्य में हमें सेवा करनी है, हमें क्या भाव रखना है राधा रानी के प्रति कि वो हमारी अधीश्वरी है, वो हमारी ईश्वरी है, और कृष्ण कौन है, वो उनके प्राण प्रियतम है, हमें उनकी ही सेवा करनी है, और रागानुगा भक्ति क्या होती है, रूपानुगा भक्ति क्या होती है, ये सब हम उनकी हरि कथाओं से ही जान पाए हैं, वरना पहले हमें कुछ नहीं पता था, बस ये पता था कि हाँ कृष्ण भगवान है इनकी भक्ति करनी चाहिए, लेकिन उसके आगे शुद्ध भक्ति क्या होती है, अभिधेय प्रयोजन संबंध क्या होता है, ये सब हमने गुरुदेव की हरि कथाओं से ही सीखा है। फिर ऐसे करते करते उन्होंने कार्तिक के मास में एक वो कथा सुना रहे थे श्री दामोदर अष्टकम के ऊपर के कृपा चेष्टा और भगवान की कृपा। तो उन्होंने कहा कि जब तक हम चेष्टा नहीं करेंगे तो तब तक भगवान की हम पर पूर्ण कृपा नहीं होगी। जब भगवान हमारे विशेष यत्न को विशेष चेष्टाओं को देखेंगे तो उनको हमारे ऊपर दया आएगी और वो हम पर कृपा करेंगे। तो यही शब्द मेरे दिमाग में तब से बैठा हुआ है कि हमें चेष्टा करनी है, चेष्टा करनी है, चेष्टा करनी है। और दूसरी बात उन्होंने बताई थी उसमें कि हमें जितना हो सके वैष्णवों की हृदय से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे सामने विराजमान नहीं है, कौन विराजमान है, साक्षात भक्त और वैष्णव हमारे सामने विराजमान है, तो हम हमारे जो अनर्थ दूर होंगे
और जो हम पर कृपा होगी भगवान की साक्षात वो वैष्णवों की कृपा से ही होगी, गुरु वैष्णवों की सेवा से ही होगी। तो ऐसे करके हमें बहुत सारी शिक्षाएं उनकी कथाओं से हमें प्राप्त हुई। उसके बाद एक सपना और मेरा, मैं बताती हूँ आपको। जब श्री गुरुदेव सन 2010 में अप्रकट हो गए तो उस समय मैं बहुत रोई, गुरुदेव आप मुझे बिना ब्राह्मण दीक्षा दिए चले गए, बस हरि नाम और गोपाली मंत्र मेरा उनसे हुआ, तो मैं अब किससे किनसे ब्राह्मण दीक्षा लूंगी। तो मेरे मन में बहुत कंफ्यूजन था उस टाइम, तो मैं ऐसे रोती थी, बहुत परेशान होती थी अंदर अंदर के मेरी पूर्ण दीक्षा नहीं हो पाई। तो तभी गुरुदेव एक दिन 2012 में मेरे सपने में आए सुबह सुबह 4 बजे और बोले, बेटी तू मेरी ही बेटी है, लेकिन देख ये जो वो खड़े हैं, वो खड़े आए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे सिर पे हाथ रखा और बोले, तू रोया मत कर, तू मेरी ही बेटी है, लेकिन जाओ वो भक्ति वेदन जो श्रीधर महाराज जी खड़े ना, उनके चरण स्पर्श करो जाके, और वो भी तुम्हारे गुरुदेव है, और जो सेवाएं तू मेरी करना चाहती है ना, वो सब सेवाएं इनकी करो, मेरे मैं उनको ग्रहण इनके माध्यम से ही करूंगा, ये वो ही है जो मैं हूँ, वही हूँ, तो मेरी शक्ति इनके माध्यम से ही तुम्हारे पास आएगी। तो उन्होंने विशेष रूप से इस चीज को क्लियर कर दिया। तो अब आप देखिए, साधु संत कभी अपनी महिमा प्रकट नहीं करेंगे, वो चमत्कार दिखाते हैं, वो उनके जो शिष्य होते हैं ना उनको दिखा देते हैं कि उनकी विशेष कृपा क्या है। तो मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करती हूँ कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसको सार्थक कीजिए। बड़ी श्रेष्ठ गुरु परंपरा यहाँ तक बहती बहती आ गई है उनकी कृपा गुरु परंपरा की, आप लोग देर ना कीजिए, फटाफट सभी हरि नाम दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा लेके गुरुदेव के पदाश्रय होंगे, अपना जीवन को सार्थक करिए, भगवान की भक्ति कीजिए और जितना हो सके हरि गुरु वैष्णवों की सेवा कीजिए, यही बोल कर मैं आपसे। यहाँ पर और एक गुरुदेव का एक शिष्य है, प्रिया, प्रिया है ना? हाँ हाँ प्रिया है। आ जा, अभी दिल्ली गए हैं, लेकिन अभी शादी बड़ोदरा से, बड़ोदरा से। हाँ हाँ प्रिया महेश। हरि बोल, नमो विष्णु पादाय और राधिकाय प्रणाम। श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता नारायण गोस्वामी के नाम श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम आदर्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरन वरण्यम पुरुष महान्तम नारायणम प्रणाम। त्रिदंडी नाम भक्त श्रोमणी च कृष्ण पदा च हृदय कहते च श्री चैतन्य लीला में सार सारम नारायणम त्वम सततम प्रपदे गोविंदमाश्रय विग्रहाय घोरकामेच्छारिणे रूपानुग प्रवराय रमन्ति स्वरूप स्वरूपिणे। मैं सबसे पहले अपने श्री रघुदेव श्री श्रीमद भक्ति विदान नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में, पश्चात आप सभी वैष्णव वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैंने सबसे पहले अपने गुरु जी के दर्शन अपने सपने में किए। मेरे को इतना मन करता था कि मैं गुरु जी के दर्शन करूँ कि हमारे इधर कीर्तन जब हुआ, मैं सबसे पहले गई कीर्तन में, तो इतना मुझे अच्छा लगा, बस अब मैं चाहती थी कि मेरे को गुरु जी के दर्शन हो जाए कैसे भी। तो इतनी उत्कंठा हो रही थी कि मुझे पंकज प्रभु ने बताया कि ना हम 2 दिन के बाद नोएडा में जाएंगे, तो वहीं पर गुरु जी के दर्शन होंगे। तो इतनी उत्कंठा हो रही थी, मतलब कि दिन 2 दिन काटे ही नहीं जा रहे थे कि कैसे भी गुरु जी के दर्शन हो जाए। अब जब मेरे को जाना था, मैं रात को सो भी नहीं पा रही, पूरी रात हो गई, अब अगले दिन दर्शन होने गुरुदेव के दर्शन होने, लेकिन नींद ही नहीं आ रही, बस ये सोच रही थी कि कैसे भी गुरुजी के दर्शन हो जाए। मुझे नींद ही नहीं आ रही है, लेकिन सुबह 4 बजे जैसी मेरी आंख लगी ना, वैसे मैंने देखा कि गुरुदेव इतने सारे वैष्णवों को लेके, इतनी बड़ी वैष्णव मंडली को लेके संकीर्तन हो रहा है, गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं। मैंने देखा कि गुरुजी हमारे घर में ही बैठे हुए हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं इतनी खुश हो गई, सुबह ही सुबह मैं गई पंकज प्रभु जी के पास। आज तो गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए, पता है प्रभु जी ने मुझे यूं बोला, पंकज प्रभु अब तो तेरे को गुरुजी के दर्शन ही नहीं होंगे, तूने सपना बता दिया अपना,
अब तो मैं रोने लग गई कि गुरुजी के दर्शन ही नहीं होंगे मेरे को, प्रभु जी यूं बोल रहे हैं मुझे। फिर अगले दिन हम नोएडा में गए, मैंने देखा गुरुदेव को, गुरुजी ने सीधे मेरी साइड देखा ना, मैंने देखा कि गुरुजी की नीली नीली आंखें, और मैंने देखा कि इतने सारे सन्यासी उनके बीच में गुरुदेव, जैसे कि कमल की कमल होता है ना कमल, उसके आगे पीछे इतने सारे भवरे होते हैं, ऐसे ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि गुरुदेव कमल रूपी और इतने सारे सन्यासी, वो सारे भवरे गुरुजी के आगे पीछे। मेरे को जैसे गुरुदेव ने देखा और सीधे पूछा कैसी हो तुम, मैंने कहा कि गुरुजी हूँ, क्या मुझे जानते हैं, पहली बार में ही पूछ रहे कैसी हो। बस उसी टाइम तो मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं, अब हरि नाम लेना है, हरि नाम लिया मैंने गुरुदेव से। उसके 2 महीने बाद मेरी दीक्षा हुई, गुरुजी ने जब मेरे को दीक्षा आई ना, गुरुजी ने मेरे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। अब मैं गुरुदेव को देख रही हूँ, मैं तो अपना नाम भी भूल गई कि मेरा नाम क्या है। बस मैं गुरुदेव को देख रही हूँ, गुरुजी ने बोला कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो, मैं बस भूल गई कि मैं आई कहाँ से हूँ, मैं रहती कहाँ हूँ। फिर पंकज प्रभु जी मेरे पीछे थे, उन्होंने कहा कि इसका नाम प्रिया है और ये पहाड़गंज से है। फिर एक बार ना हम नवद्वीप गए, नवद्वीप में ना सबसे पहले हम, मैंने बैग ही रखा, पता चला कि गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, मैं भागी भागी गई। मैंने ना गुरुजी से कहा, गुरुजी ने पहले छूटे, अरे पहाड़गंज वाले आ गए, दिल्ली वाले आ गए, कितने लोग आए हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी पूरी बस भर के आई है। गुरुजी ने बोला कि अच्छा। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुदेव मुझे ना भक्ति करनी है। तो माधव महाराज जी ने कहा कि करो ना, कौन रोक रहा है। गुरुजी ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने दूसरी बार कहा कि गुरुदेव मुझे ना भक्ति करनी है, फिर भी गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। फिर माधव महाराज जी ने बोला अरे तू कर ना, तुझे किसने रोका। फिर ना मुंह नीचे करके मैंने गुरुजी से कहा, गुरुदेव मुझे सच में बहुत बहुत भक्ति करनी है। फिर गुरुजी ने ना 3 बार ही मुझे ऐसे बोला, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन गुरुदेव मैं तो भक्ति कर ही नहीं पा रही हूँ। विषय वासना रूप चितिर विकार, अमारा हृदय भोग करे अनिवार्य, कतय यतन अमी करे लाम हाय, ना गेले विकार बुद्धि शेष प्राण जाए। मैं विषयों में इतनी फंस गई हूँ कि मैं भक्ति कर ही नहीं पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं भक्ति करूँ, लेकिन मुझसे हो ही नहीं पाती है भक्ति। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि गुरुजी ने ना हमारे, मैं जब कार्तिक में थी तो गुरुदेव ने ऐसे कहा था कि ना, क्योंकि उनका हर एक शिष्य, हर एक छोटा छोटा शिष्य ये जानता है कि वो, गुरुजी हमेशा ये बोलते थे कि राधा दास्यम, कभी भी भगवान से कुछ मांगना नहीं, श्री राधा दास्यम मांगना, श्री राधा दास्यम मांगना। इसलिए मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि हाँ देवी काबू भर गदगद याच वाचा, याचे निपत्ते भुवि दनवत भूतार्थी, अस्य प्रसादम उदस्य जनस्य कृत्वा गंधर्व के निजगणे गणनाम विदेही। मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव आपने कहा था, मैं तो विषय में इतनी विषय हूँ कि मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती, मैं उस लायक भी नहीं हूँ, लेकिन आपने कहा है कि आप अपने हर एक शिष्य को, जब तक गुरुजी ने कहा था कि मैं अपने हर एक शिष्य को जब तक श्री राधा रानी की सेवा में ना लगा दूं, मुझे चाहे जितने भी जन्म लेने पड़े मैं आऊंगा और अपने हर एक शिष्य को राधा रानी की सेवा में लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए गुरुदेव, चाहे मेरे अनंत कोटि कितने भी जन्म होए, मुझे भी राधा रानी की सेवा में जरूर लगाना, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, बस मुझ पर जरूर कृपा करना। हरे कृष्ण जनार्दन है, जनार्दन प्रभु जी है यहाँ पर, जनार्दन कहाँ है, आगे। हाँ देखो ये गुरु पूजा के लिए आरती, आरती की थाला कहाँ है, तैयारी ना, आरती की थाला ले आओ, अध्यमे आ रहे। हरे कृष्णा, और जनार्दन प्रभु कड़ा सर, हरे हाँ देखो हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, ऐसे वैष्णव का तिथि में हम लोग आए हैं स्वयं वृंदावन में। मैं वहां भी बता रहा था, जब ये ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही थी उसी समय में
आप लोग वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए? हाथ उठा दो। सबके सब वहां पर सेवा कुंज, आप लोग वृंदावन में सेवा कुंज गए थी? सेवा कुंज वहां पर जहाँ पर कृष्ण राधा रानी की चरण की सेवा की, इसलिए उस स्थान का नाम सेवा कुंज नाम पड़ा। स्वयं राधा रानी उसको जो पुजारी था, पुजारी को स्वप्न दिया, बोले देखो अभी ये नारायण महाराज है, ये मेरी एक सखी दासी है और मेरे जो प्रसाद और जो पुष्पों की माला लेकर उनको देख रहेगा। राधा रानी स्वयं उनको स्वप्न देती है, तो वो पुजारी लेकर के आए, लेकिन वहां पर माधव महाराज रहते थे, सबको तो जाने नहीं देते थे, हैं? इसलिए बोले मैं गुरु जी से भेंट करना चाहता हूँ, प्रसादी फूलों की माला देना चाहता हूँ। बोले मुझे दे दो। बोले नहीं, मैं कोई विशेष बात है गुरु जी को बताना चाहता हूँ, मैं अपना हाथों में देना चाहता हूँ। तो उनको गुरु जी को लेकर गए, जब लेकर गए वो स्वयं बोले महाराज जी मैं सेवा कुंज से आया हूँ, जहाँ पर कृष्ण स्वयं राधा रानी के चरण की सेवा की थी, मेरे को राधा रानी ने स्वप्न दिया कि जो नारायण महाराज ये मेरी दासी मेरी सखी है और मेरी प्रसाद फूल माला और प्रसाद दे करके आना, इसलिए आप कृपा कर इसको स्वीकार करो। लेकिन गुरुदेव जब कोई ब्राह्मण आते थे, पुजारी आते थे, हैं, गुरुदेव खाली हाथ में नहीं छोड़ते थे, कुछ ना कुछ प्रणाम देते थे। तो गुरु जी ने 1,101 रुपया उनको प्रणाम दिया, बोले आप इसको लो, पहले मैं दुनिया से लेता हूँ लेकिन आपसे नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को राधा रानी ने स्वयं स्वप्न दे करके आपको पास में भेजा। इसलिए देखो जिनको राधा रानी स्वयं स्वप्न दे करके पुजारी को बोले, क्या बोले, ये मेरी मेरी ये सखी है, ये रमण मंजरी कृष्ण नित्य लीला में है, ये हमारी उद्धार करने के लिए गुरु जी इस संसार से आए थे और हम जैसे नरक के जो कीड़े हैं उनको भी गुरुदेव स्वीकार करते हुए इनको भी उन्होंने हमें भी भक्ति में गुरुदेव लगाए। इसलिए ऐसे जो महाराज है हम सबको ऊपर में कृपा करें। आज का दिन उनका तिरुभाव महोत्सव है और बामन गोस्वामी महाराज का आज आविर्भाव तिथि, आज आप लोगों ने दो दो महापुरुष का तिथि में आए। इसलिए जब श्रीमन महाप्रभु हरिदास ठाकुर का नाम जानते हो, कौन कौन जानते हो? आप लोग धीरे धीरे सारे हमारे गोस्वामी संतों का ग्रंथों को जरूर पढ़ा करना, ठीक है ना? ये दिन में 3,000,000 हरिनाम करते थे और जब इन्होंने शरीर छोड़े महाप्रभु स्वयं गोद में उनको उठा कर ले गए स्वयं ठाकुर जी और उन्होंने समुद्र में स्नान कराया। बोले समुद्र अभी तक तू केवल तीर्थ था लेकिन ये हरिदास ठाकुर का स्पर्श से देखो, मरने का बाद जब हम छूते हैं सब स्नान करना पड़ता, लेकिन ये संतों का वैष्णव का कितने महत्व है। उन्होंने शरीर छोड़ने का बाद में भी जो समुद्र, समुद्र क्या है, पृथ्वी का जितने पवित्र नदी समुद्र में मिलती है, वो कह रहे समुद्र अभी तक तू केवल तीर्थ था लेकिन ये संतों का स्पर्श से तीर्थ नहीं तुम्हें सबसे बड़ा महातीर्थ हिला, महातीर्थ हिला। उन्होंने ये आशीर्वाद दिए, महापुरुष स्वयं समाधि देते हैं। फिर महाप्रभु इन्हीं के लिए उन्होंने भिक्षा मांगी। पुरी गए हो? कौन कौन पुरी गए? इतने कम कौन जाना चाहते हो? हाथ उठा, आप सब काम ले जाएंगे। एक एक समय रथ यात्रा में देखो पुरी में है ना ये ठाकुर जगन्नाथ जी का धाम, चार धाम एक धाम है, वहां पर सबसे बड़े बड़े आश्चर्य चीज आपको मिलेगा जहाँ दुनिया में नहीं देखे हो। देखोगे हर जगह में ठाकुर को खड़े हुए देखोगे लेकिन वहां पर देखोगे ठाकुर बैठे हुए। बोले क्यों? एक भक्त था छोटे थे, जब वृद्ध हो गए सेवा नहीं कर पा रहे थे, ठाकुर स्वयं उनकी सेवा लेने के लिए बैठ गए। वहां पर साखी गोपाल, साखी गोपाल कौन है? ठाकुर जी स्वयं वृंदावन से चलते 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 जगन्नाथपुरी चले गए। इसलिए ठीक पुरी से पहले जो एक स्टेशन है उसका नाम साखी गोपाल, स्वयं ठाकुर जी चलते चलते साखी देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। वहां पर देखोगे खीर चुरा गोपीनाथ, देखोगे खीर चुरा गोपीनाथ कौन है? भगवान राम सीता बोलने पर आप द्वापर युग में आपका रूप कैसे होगा? भगवान राम तीर से पत्थर के ऊपर स्वयं भगवान राम कृष्ण का रूप बनाए। माँ सीता जी से विग्रह को पूजा करती थी, ब्रह्मा भी बाद में पूजा थी, इसलिए उन्होंने किसी भक्त के लिए खीर चोरी की, इसलिए तब से उनका नाम खीर चोरा नाम हो गया, ठाकुर को चोर चोर कहते हैं। वहां पर और एक अद्भुत ठाकुर देखोगे पुरी में, क्या देखोगे? एक समय कोई भक्त ने घर में खीर भोग लगाया, उन्होंने हठात उन्होंने हाथ गर्म था, जब उन्होंने लेने के लिए गए ना इतने में खीर उनका छाती में गिरा, वहां पर मुंह में अंगुल में और छाती में जैसे फोफड़ा पड़ जाते ना गर्मी चीज से, आप डायरेक्ट देखोगे ठाकुर के शरीर में फोफड़ा पड़ रहा। अद्भुत अद्भुत ऐसे ठाकुर वहां पर। और जगन्नाथ जी को एक बार रथ में कोई दर्शन करता है शास्त्र कहता है उसको पुनर्जन्म नहीं होगा।
भगवान के एक बार जगन्नाथ जी को रथ में देख लो, कहते पुनर्जन्म नहीं होगा, संसार में नहीं आओगे, ऐसे स्थान कौन जाएगा बोला आदि। हाँ इस बार अगर करुणा सही हो गई ना, करुणा सही हो गई तो हम सबके सब बन जाएंगे। और थोड़ी थोड़ी अभी से पैसा जमा जमा करके रखो, और माता है तो पतियों से हाँ झूठ बोल करके हम ये करेंगे वो करेंगे, और थोड़ा थोड़ा उससे बचा बचा करके उसमें थोड़े इकट्ठा करके रखो, ठीक है ना। और जगन्नाथ पुरी जाने के लिए रखो, और नवद्वीप धाम के लिए भी जाने के लिए। ठीक है, इसलिए हमारे श्री जनार्दन प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मध्य गुरु अभी सब लोग अपने जो लगभग सारे बड़े गुरु जी के सभी शिष्य शिष्याओं ने अपने अपने हृदय की बात बताया। हमने तो महाराज जी को कभी देखा नहीं, पर हमने जो गुरु जी से सुना है, जो अनुभूति गुरु जी के माध्यम से हमें मिली है, तो एक बात में मैं आपको पुष्पांजलि देने की कोशिश करूँगा। महाराज जी पर जब महाराज जी हर बार कथा में कहते हैं, जैसे हम लोगों को पढ़ाते हैं, हम लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों को एक उत्साह देने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बच्चा है आप उसको बोलो कि ये काम कर दे, वो काम कर देता है, पर कभी कभार वो थोड़ा सा डिमोटिव हो जाता है, तो उसी के उसको क्या किया जाता है, कुछ लालच दिया जाता है ना। इसीलिए गुरु जी हमें क्या करते हैं, कहते हैं अगर कथा बोलनी है तो गुरु महाराज जैसे बोलो, तभी तुम्हारे जगत में नाम होगी। इसीलिए ये सब कथा की परिपाटी इतने गोड़े मठ में हम लोगों को जैसे बिठा करके, हमारे बंसी लोग कहते हैं बड़ोद में भाग्य बाकी में इतने लोग 9-9 बजे 10-10 बजे तक वेट करके जो हरी कथा सुनने के लिए जो रुचि है ना, यही बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात है। इतने लोगों को हमारे जी में हमारे गुरु वर्गों की इसी कड़ी में हमारे गुरु जी हैं, तो ये सब जो कथा सुनने के लिए केवल बोलना तो बहुत बड़ी बात है। हमारे गुरु जी क्या कहते हैं कि आप बोलो, अभी तो इसी काम के लिए गुरु जी ने अपने कई भागवत भी अपना कैंसिल करके, भागवत नहीं हो रहे क्या, हो रहा है बहुत हो रहे हैं, परंतु फिर भी गुरु जी यहाँ पे वेट करके, देखो आज भी मैंने सुबह देखा था, आज बहुत कम माताएं आई थी, फिर भी गुरु जी कहीं नहीं जाते हैं, कोई नहीं तो कम से कम 2-4 व्यक्ति तो होंगे। तो यही कहते हैं कि शिष्य वास्य कहता, गुरु जी कहते हैं जब मैं मथुरा मठ में, देखो मेरा कोई अपना स्वतः अनुभूति नहीं है, क्योंकि हमने तो कभी दर्शन किया नहीं, और जो कहता ना कि वाणी के माध्यम से, आदर्श के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से उनके महिमा पता चल जाए तो वो भी संग होता है, तो मेरे जैसा कामी क्रोधी के अंदर हुए तो वो भी नहीं हो सकता। इसलिए गुरु जी जिस बात को कहते हैं कि जब वो पहले बार मथुरा मठ में आए पुरी से, तो महाराज जी कहते हैं कि वहां पे 4-4 समय मतलब कथाएं हुआ करती थी, और उसको देख करके मेरे मन में इतनी प्रबल इच्छा हुई, और हमने वहीं से ही पहले भी गुरु जी के अंदर, गुरु जी इस बात को कहते हैं कि मेरे पहले जब मैं कहीं पोछा लगाता था, कहीं मतलब मार्केट जाता था, तो श्लोक को लेकर के जाता, और गुरु जी के अंदर जो पहली जो रुचि थी उसको महाराज जी ने मतलब और भी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने उनको कराया। तो इस प्रकार देखा जाता है कि वही बड़े गुरु जी की जो परंपरा से गुरु महाराज के माध्यम से ये सब जो है आप लोगों के अंदर, हम लोगों के अंदर संचरित हो रहा है। एक छोटी सी बात, आज से ठीक 2 साल पहले आज के दिन की बात मैं कहना चाहूंगा। एक समय भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद जी के पार्षद थे, कभी उन्होंने सोचा कि मैं वैष्णव सेवा करूंगा, परंतु उस दिन उनके पास कुछ धन नहीं था, तो उन्होंने केवल सोचा था कि वैष्णव सेवा करनी चाहिए, मेरे को करना है। इसलिए कि बाज पक्षी ना वो ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था, और उसके मुंह में पोटली था, क्योंकि इतने आश्चर्यवाद ये भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी अपने प्रबंध में जो उन्होंने हर एक वैष्णव से जो शिक्षा ली है उसको उन्होंने ग्रंथ के माध्यम से उद्धृत किया है। कहते हैं कि मैंने उनसे सुना था कि उन्होंने उनको कभी वैष्णव सेवा करने की इच्छा हुई, परंतु धन के बिना कैसे वैष्णव सेवा की जाए, तो उस समय के बाद पीछे उड़ता हुआ गया और अपने मुंह से उसने एक पोटली वहीं पे ही गिरा दिया। जब उसने पोटली को महाराज ने खोला कि उस समय बहुत समय चिल्लड़ का भी बहुत मूल्य हुआ करता था, आज से 70-80 साल पहले, और खोला और एकदम से उन्होंने
है ना, संतों की मतलब वो किया, सेवा किया। तो दो साल पहले ठीक आज के दिन दोनों महाराज जी की तिथि पे, उस समय मैं नया नया आया था जब 3 साल पहले, तो यहाँ पे जैसे मेरे को कर रहा था, तो मैंने तो कुछ उस समय तो मैं मांगता नहीं था, थोड़ा संकोच ही था, तो किसी को भी मांग लेता हूँ, अब तो कोई डर नहीं है, कोई लज्जा शर्म नहीं है, और आप लोग भी खूब दिल खोल करके दे देते ना, इसलिए मैं मेरा थोड़ा मुंह बढ़ गया। तो उस समय तो ऐसा नहीं था, मैं थोड़ा संकोच होकर के मैंने जैसे तैसे करने की कोशिश किया, और प्रभु जी भी वहाँ आए हुए थे, तो मैंने किसी को बताया नहीं था। तो प्रभु जी ने, हमारे प्रभु जी ने बोला कि प्रभु जी आपको जो आपने कुछ आयोजन किया उसके लिए आपको कोई कमी तो नहीं है। मैंने नहीं प्रभु जी, मेरे को तो कोई कमी नहीं है, और सारा का सारा कमी ही कमी था, क्योंकि मैं सोच रहा था इतने में क्या, हमारे बागवत जी, बागवत सिंह बुआ जी बैठी है, इन्होंने किया कि इन्होंने प्रभु जी ने उनसे बात करी होगी, और उन्होंने दिल से उन्होंने किया कि प्रभु जी जो भी हमारे राहुल प्रभु के माध्यम से मैंने किया था वो, तो सारा का सारा जो धन था उसमें सारा का सारा इन्होंने दिया था। तो देखो क्या मतलब है, महाराज जी की, महाराज जी किसी के अंदर किस प्रकार प्रेरणा दे करके सेवा को करा देते हैं, इसीलिए मन में सेवा की वृत्ति होनी चाहिए। कई बार कई लोगों के पास सक्षमता होता है, सक्षमता होने के बावजूद भी सेवा नहीं करते हैं, उसको साठ्य दोष कहा जाता है। जिसके पास पैसा है उसको पैसों से जो अगर सेवा नहीं करता उसको साठ्य दोष किया जाता है, परंतु तो एक व्यक्ति होता है जिसके पास पैसा नहीं होता है पर वो वैष्णव सेवा करने के लिए चाहता है, परंतु अगर उसके अंदर ये असक्षमता है तो उसको पूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण कृपा अवश्य करते हैं। वैसे तो मैं तो बहुत लोभी हूँ, परंतु महाराज जी की मतलब इस प्रकार के माध्यम से दिखाया गया। देखो संत जो होते हैं ना, जो शास्त्र वाणी होता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जितने भी विधि है, निषेध है, ये सब कुछ केवल अक्षर है हम लोगों के लिए, परंतु क्या कभी वो आचरण करके दिखाए, परंतु इन आचरण करने के लिए वही शब्द जो है वो अप्राकृत भगवान के जगत में तो मूर्ति बन जाते हैं, परंतु हमारे लिए वो तो भागवत की जो पुस्तक है ना, वो तो पुस्तक है ना, वो थोड़े ही भागवत, हम उनको प्रणाम किया तो भागवत भागवत के स्वरूप ले लिया, परंतु वो ही भागवत जब स्वरूप लेता ना उन महापुरुषों के माध्यम से, और एक एक इनके जितने भी गुण है, आदर्श है, वो सब कुछ भागवत की, इसीलिए इनको भक्त भागवत कहा जाता है। मान लो किस दिन आप भागवत कथा सुनने के लिए जा रहे हो, आप जा नहीं पाए, उस दिन आपको भक्त की संत की दर्शन हो गया, समझ लेना आपका भागवत का सारा फल मिल गया, क्योंकि भागवत में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई है। एक एक आचरण कर पाना हम लोगों की बस की बात नहीं है, परंतु अगर हमने वैष्णव की दर्शन कर ली तो हमारे सारे भागवत सुनना हो गया। तो ऐसे जीता जाता, महाप्रभु गुरु जी कह रहे थे ना, जीवों को तो छोड़ो, मनुष्य को तो छोड़ो, जैसे महाप्रभु ने, जैसे उनके परिकरों ने, जैसे जीव जंतु तरफ पेड़ पौधा जिनों को देखा उनको मतलब करुणा दिया, पतितों को जो पतित थे उनको पावन करके उनके अंदर इतनी शक्ति दे दिया, वो भी जिसको देखे उसको भी पावन कर दे, मतलब पतितों को पतित पावन बना देने वाले कौन है, वैष्णव है। तो ऐसे वैष्णव है। अब इनके एक छोटा सा मतलब भक्ति विनोद ठाकुर अपने कीर्तन में लिखते हैं कि जो संत होते हैं, क्यों वो संत है, हमारे गौड़ीय संतों की जो विशेषता है वो ये है कि महाप्रभु के चरण में विशेष प्रकार में जो प्रपत्ति, प्रपत्ति मतलब सक्र देव प्रपन्ना मतलब शरणागति, वो जो कृष्ण का शरण की जो भावना है वो ही जो गौड़ी जो वैष्णव का विशेषता है। और इस बात को कैसे सिद्ध किया जाता है, इसको सिद्ध करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने कीर्तन में लिखते हैं, क्या कहते हैं, पूर्व इतिहास भूली न सकल। देखो शरणागति के लक्षण क्या है, देखो शरणागति दो प्रकार की है, एक होता है प्रीतिपूर्वक शरणागति, अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण कर देना अपने इष्टों के चरण में, परंतु प्रीति नहीं है, है तो हो तो सकता है शरणागति। उदाहरण दो, जैसे मतलब कोई बैंक के अंदर बहुत सारे डाकू घुस गए, तो गन रखा तो सारे के सारे वो चैतन्य महाप्रभु बना दिया, सब हाथ खड़े किए, क्यों, वो क्या शरणागति है, वो शरणागति नहीं है, वो डर के मारे अपना सरेंडर किया हुआ है, समझ रहे हो ना। परंतु जो वास्तव में शरणागति है, जैसे गोपियां कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते सुरत नाथ ते असुरक दासिका, कि हम आपके कैसे दासी हैं, हम आपके चरण में कैसे आए हैं प्रभु, इसमें हमारे किसी भी प्रकार विषय गंध की गंध नहीं है, विषय वासना की कोई गंध नहीं है, हम तो केवल आपके सुख के लिए आए हैं। देखो इसको अच्छे से समझना, भगवान के लिए दुख दुख सहन करके भगवान की प्रीति के उद्देश्य में सेवा करना,
यह हर किसी भक्त के वश की बात नहीं है, भक्त तो बहुत होते हैं, परंतु गोपियों के पास जो नारद जी आते हैं कहते हैं नित्य काल तक अगर हमें नरक में भी वास करना पड़े, जाओ हमारे श्याम सुंदर को जाओ हमारे चरण की धूली दे दो और केवल वो मतलब वो स्वस्थ हो जाए, उसके वजह से अगर हमें नित्य काल में नरक में वास करना पड़ेगा वो मंजूर है, परंतु एक क्षण भर के लिए हमारे श्याम सुंदर के किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा हो ये हमें कतई सहन नहीं है। जब इस बात को सुनते हैं, केवल ये बात सुनना नहीं है, इस बात को हमने कहां देखा था, हमारे गुरु बल जाकर दिखाते हैं। देखो जब पहले श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी जब गुरु जी के पास आए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के पास, कुछ दिन बाद वो वापस घर घर वालों को बुला करके ले गए, थोड़े बहुत नाटक करके उन्होंने घर में व्यावहारिक रूप में उन्होंने रहने की कोशिश किया। जब बाद में जब वो घर छोड़ के आ रहे हैं तो यहाँ पे प्रभु जी लोग कहते हैं, हमने सुना है कि उस समय कुत्ता बिल्ली तक भी उस गांव के रोते थे कि इतने बड़े संत हैं, और वास्तव में संत का प्रभाव है, एक संत का प्रभाव है। जब चैतन्य गोड़ी मठ में बाढ़ आ गया था तो बहुत लोग आकर के जमा हो गए थे क्योंकि ऊंचाई पे था, उस समय कुत्ता भी आया था, परंतु सारे लोग तो चले गए परंतु कुत्ता रह गया, और कुत्ता रोज उसकी हरि कथा में बैठता था महाराज जी के भक्ति के मार्ग से, महाराज जी कहते हैं। और रहते रहते ऐसा एक दिन समय आया, एकादशी के दिन शाम के समय हरि कथा चलते चलते उसने अपना प्राण को छोड़ा, तो कुत्ता बिल्ली भी भगवत संग नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार महाराज जी जब वापस आए, अपने घर से लौट करके वापस आ रहे थे, सब लोग त्रस्त थे, दुखी थे, परंतु फिर भी माता पिता ने उनको रोका नहीं, और वापस जब उन्होंने गुरु जी के चरण में आया, गुरु जी ने उनको जिस प्रकार रखना चाहा, जिस प्रकार दास के रूप में रखना चाहा, उसी प्रकार उन्होंने सब कुछ अपना निभाया, और उन्होंने क्या नहीं किया गुरु जी के लिए। अभी प्रभु जी कथा सुना रहे थे कि उस समय ग्रंथ प्रणयन करना कितना कठिन था, आजकल तो क्या है कि सेकंड में लगता नहीं कि मेल चली जाती है और बड़े से बड़ा फाइल एकदम से प्रिंट आउट निकल जाता है, उसको रीडिंग कर लो जहां कहीं पे है, फिर भी उसमें 100 हमारी क्या गलती निकल जाती है। उस समय एक एक लेटर को, एक एक वर्ड को, सेंटेंस को बिल्कुल बढ़िया तरीके से मतलब सजा करके फिर दोबारा उसमें प्रूफ संशोधन करके दोबारा फिर उसको क्या ग्रंथ की काम करते थे। स्वामी महाराज जी अकेले खरीद करके लाते थे पत्ते, अकेले लिखते थे, अकेले प्रूफ रीडिंग करते थे, अकेले प्रेस में जाकर के छपाई का काम करते थे, और उसके बाद खुद उस आउटपुट को लेकर के बाजारों में जाकर के खुद देते थे दोबारा पैसों से, फिर दोबारा वही काम करते थे। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पूरे जीवन दे करके सेवा किया। हमारे प्रभु जी कथा सुनाए थे गुरु जी के बारे में, जब गुरु जी एक समय पे अस्वस्थ हुए, पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी इसको अच्छे से सुना, हमारे गुरु जी के लिए उन्होंने कहा था, हमारे गुरुदेव को हमारे गुरु जी गोवर्धन परिक्रमा के लिए आए थे। देखो उस समय गुरु जी का स्वास्थ्य बहुत, तबियत बहुत खराब था, और वो दिल्ली हॉस्पिटल में कहीं पर एडमिशन थे। आज मैं प्रभु जी को उनको उनका नाम नहीं लूंगा, मैं उनको फोन कर रहा था पर उनका सुना ही मतलब वो कहीं व्यस्त होने के कारण उठाए नहीं। तो वो कह रहे थे कि हमने देखा महाराज जी उस समय गोवर्धन परिक्रमा के लिए आए थे, हमारे गुरु जी की तबीयत सही हो जाए इसके लिए। और जब गुरु जी ने परिक्रमा करके वापस आए उसके बाद में इतना बढ़िया ठीक हुए कि 2010 तक उन्होंने अपना पूरा अच्छे से उन्होंने क्या किया मतलब इसी जगत में उन्होंने रहे। तो हमारे गुरु जी की वो कामना थी, इसलिए हम इस बारे में जान सकते हैं कि हमारे बड़े गुरु जी और मुझे बावन गोस्वामी महाराज जी और हमारे ये सारे गुरुवर हमें क्या चीज देने के लिए आए, इनकी वैशिष्टता क्या है, इनके ग्रंथों को पढ़ने पे ही समझ में आएगा। गुरु जी आते हैं, आप लोग आइएगा, नित्य प्रति कहीं ना कहीं गुरु जी की बातें तो होती रहती है, क्योंकि बहुत संक्षिप्त समय के अंदर हम बहुत बातों को विशेष रूप में विश्लेषण नहीं कर सकते। तो यही कह मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, आप भी याद रहेगा ना एकादशी को, परसों है ना, आप लोग 11 बजे सब बच्चियों को लेकर के सब लेकर के आना, और अच्छे तरह से नोट करना और दुनिया में भक्ति को प्रचार करना। और यहाँ पर रोज सवेरे और शाम को दोबारा कथा होती है, अगर सवेरे ठंडा ज़्यादा अगर नहीं आ पाते हो कोशिश करना शाम को, कितने से कितने तक कथा होती है ब्रदर? 11 से नहीं शाम को, शाम को तो रोज आप करते हैं, कितने से? 6 से ठीक 6 से कथा, 6 से लेकर 5:30 से लेकर के 7 बजे के अंदर में हम कोशिश करते हैं कथा को विश्राम हो जाए और कथा सुन करके अपना घर में जाकर के अपना काम धाम करना, कोशिश कर रोज जाने के लिए, ठीक है? हाँ सब खड़े हो जाओ गुरुजन का।
श्रीपाल मास्टर जी ने प्रसाद दिया। क्या नाम श्रीपाल मास्टर जी? हरे कृष्णा। आज वो प्रभु जी का अनुग्रह, आज आज जो प्रसाद की जो व्यवस्था है श्रीपाल मास्टर जी, मास्टर जी आज आज सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की है, आप उनके लिए उनके लिए इधर आ जाओ। हरे कृष्ण श्रीपाल प्रभु जी, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ आज इतने गुरु जी की सेवा के लिए आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था दी, इसलिए गुरु जी का प्रार्थना करते हैं कीर्तन कर दो श्री गुरु चरण पर। हरे कृष्णा कीर्तन कर, जय नित्रिला प्रभु जो मुझको पास तो प्रजय जी मंत्र राज सिंह नारायण मंत्रों की महाराज की जय। नित्रिला प्रभु जो मुझको पास तो प्रजय जी मंत्र राज सिंह Hey. Bandhu Mohan Ka
राम रघु की जय। जय Yeah.
आप लोग प्रसाद के लिए बैठ जाओ और ये आसन को उठा दो सब लोग माता है भाई लोग सब आसन को क्या लो भाई सब करते।